हेलो स्टूडेंट्स, जय सी एल सी। मैं किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, TMCLC। आज हम जी मैन 2019-20 में जो फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट था उसके जो क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट अपन ने कहें तो सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। और मान के चलें जो क्वेश्चंस अभी आए हैं वो पूरे के पूरे इन टॉपिक्स जो कि अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हैं, मैटर वेव्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडिएशन और जो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स है, उसके सारे क्वेश्चंस हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें कि ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाई अब्जॉर्बिंग ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 980 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट इन द टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस ए नॉट विल बी। आपको बोहर रेडियस के टर्म्स में इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो आप पहले ये सोचो कि इसमें आपको क्या दिया हुआ है। ग्राउंड स्टेट में एच एटम है और ये अपन इसमें वेवलेंथ कर रहे हैं इंसिडेंट। जैसे आप ध्यान दो, मान लो ये है n इक्वल टू 1 और ये है इसका nth कोई एनर्जी लेवल। आपने इस पर एक लेमडा जिसकी वैल्यू है कितनी 980 एंगस्ट्रॉम, इसका फोटोन आपने इस पर किया इंसिडेंट। तो अगर अपन इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लें तो आप जानते हैं इसकी एनर्जी कितनी होगी। इसकी एनर्जी है 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, ये है 980। और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इसकी जो वैल्यू है वो है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ये जानते हैं कि एच एटम में जो ये एनर्जी गैप है 12.75 एनर्जी गैप, आप जानते हो ये होता है फर्स्ट और फोर्थ के बीच, फर्स्ट और सेकंड के बीच होता है 10.2, फर्स्ट और थर्ड कितना होता है 12.1। और आप ये भी जानते हो फर्स्ट और फोर्थ का कितना डिफरेंस है, वो है 12.75। इसका मतलब आप जैसे इस फोटोन को इस पर करते हो इंसिडेंट, तो ऐसे करने से इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चला गया है, वो वन से चला गया फोर्थ ऑर्बिट में। अब सुने आप, जब ये वन से फोर चला गया है तो वापस जब इससे नीचे आएगा तो उतनी ही एनर्जी का फोटोन इसने इमिट करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे तो पूछा क्या जा रहा है कि इस एक्साइटेड स्टेट की रेडियस कितनी है, तो अपन निकाल सकते हैं ना। ध्यान दो आप, आर एन इज इक्वल टू होता है, मैं लिखूँ इसको आर नॉट इन टू एन स्क्वायर बाई जेड। अब एन कितना हो गया, एन यहाँ हो चुका है 4, एन के 4 होने पे उजड़ कितना एच एटम के लिए 1 हो गया। तो आर नोट आपको दे रखा है ए नोट, एन हो गया कितना 4, इसका स्क्वायर अपॉन कितना 1, 4 का स्क्वायर कितना बोलो 16 इंटू ए नोट, तो 16 ए नोट ये इसका राइट आंसर है। ये इसकी है रेडियस, कौन से की, जिसमें इलेक्ट्रॉन जा चुका है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका हो चुका है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाँ तो क्वेश्चन सेकेंड आप पढ़ें तो इसमें आपसे कहा है कि एच एटम में जब इलेक्ट्रॉन एम से एल में ट्रांसफर करता है तो जो फोटोन निकलता है उसकी वेवलेंथ है लेमडा, तो एन से एल में ट्रांजिशन होने पे कितनी वेवलेंथ इमिट होगी। तो ध्यान दो इसमें, जैसे कि आप जानते हो एच एटम के जो एनर्जी लेवल होते हैं यदि उनको अपन यहाँ बनाएं तो के एल एम और ये एन, सही है। अच्छा, इसके लिए n कितना बेटा जी 1, इसके लिए n कितना 2, इसके लिए n कितना 3 और इसके लिए n कितना होता है 4। तो पहला दे रखा है कि m से l तो जो फोटो निकलता है उसकी वेवलेंथ लेमडा है, तो n से l में जब होगा तब इसकी लेमडा डेस है वो आपको फाइंड करनी है। तो आप जानते हो बोर थ्योरी के अनुसार 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू होता है आर जेड स्क्वायर और ये 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस कितना 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इसमें n1 तो होता है लोअर एनर्जी लेवल का क्वांटम नंबर या उसका ऑर्बिट का नंबर, और n2 कौन सा, तो जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है यानी अपर वाला, तो कोई इश्यू नहीं है। r को जो यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसे अपन सॉल्व करेंगे तो लेमडा डेस अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, ध्यान दो अब ये लेमडा वाले का, अगर लेमडा का ज्ञात करता हूँ तो मुझे यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, लेमडा डेस अपॉन वाला नीचे आएगा, सिंपल सा खेल है, जल्दी आपको फास्ट करना होगा, टाइम अपने पास लिमिटेड होता है। तो जब इसका लेमडा वाली बात करता हूँ तो 3 से अपन आ रहे हैं 2 में, तो आप देखो मैंने कहा था इसमें लोअर कौन सा 2 है अपर कौन सा 3 हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना बोलो 1 अपॉन 4 माइनस कितना 1 अपॉन
थ्री का स्क्वायर, बोलो साहब, नाइन। अच्छा दूसरे वाले में फोर से अपन टू में आ रहे हैं, तो वन अपॉन टू का स्क्वायर फोर, माइनस कितना फोर का स्क्वायर, वन अपॉन सिक्सटीन। ओके अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो देखो बताओ मुझे आप, इसका एलसीएम कितना हुआ 36, फिर ये 9 माइनस 4 कितना 5 अपॉन, नीचे वाले बताओ इसका एलसीएम कितना हुआ 16, तो 16 4 ये 4 माइनस 1 कितना 3। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो इससे वैल्यू देखो आप, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई लेमडा डेस अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 5 अपॉन 36 इंटू, उसको अपन रिवर्स कर ले, ये हो गया बेटा जी 16 अपॉन बोलो 3। उड़ाएं इसको अपन 4 से, ये 4 यहां कितना हुआ 9, 5 इंटू 4 कितना बोलो 20 अपॉन कितना, ये हो गया 9 इंटू 3 27, तो लेमडा डेज हमारे पास होगा 20 अपॉन 27 इंटू लेमडा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड। ठीक है अब देखो जो ये क्वेश्चन है इसी के जैसा क्वेश्चन जो आपका है फोर्थ क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें भी कोई बड़ा विशेष अलग से नहीं है। यहां आप कह रहा है कि यदि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की प्रथम बामर लाइन, आप जानते हो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जब आता है फर्स्ट में तो बनता है लाइमन लाइन, और कहीं से भी दूसरे में अगर करता है ट्रांजिशन तो कौन सा बनता है, बामर लाइन बनती है। तो प्रथम बामर के लिए कहां से कहां देखो, तीन से दो में, तो तीन से दो के लिए दे रखा है वेवलेंथ कितना 660 नैनोमीटर। ओके तो हमें यहां पर लेमडा दे दिया 660, फिर कह रहा है कि दूसरी बामर यानी कहां से फोर से टू में, तो ये तो खेल हो गया ना, जस्ट ये क्वेश्चन हो गया। अब यहां पर इसको सॉल्व करना है, तो 20/27 इंटू यहां इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप 660 से, आपका आंसर हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो फोर्थ का आंसर आपका इजीली 488 यानी ये आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, बस 20 अपॉन कितना 27 इंटू ये था ना 660, इसको मल्टीप्लाई करना है, मेरे हिसाब से आसानी से काम क्वेश्चन कर लोगे। मैं डायरेक्ट यहां पहुंच रहा हूं क्वेश्चन नंबर देखो 14 पर, को पढ़ें आप। यहां कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रृंखला के पहले घटक का लेमडा ये, यानी वापिस वही कहानी आ गई, यानी 3 से 2 के लिए दे दिया अपने को, तो बामर श्रृंखला के दूसरे घटक का लेमडा कितना है वो पूछा, बस ध्यान देना इसमें लिखा है एंगस्ट्रोम में और ये कितना है नैनोमीटर में, कोई इश्यू नहीं है। आप इसका निकालते हैं वैल्यू लेमडा डेस बराबर ये 20/27 एंड 20/27 इंटू ये 6561 एंगस्ट्रोम। अब इसको आप सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे आप 14 में, तो जो इसका आंसर है मेरे बेटे जी वो करीब करीब आएगा ये 4860 एंगस्ट्रोम, ये एंगस्ट्रोम में है, और इसको बदलेंगे आप नैनोमीटर में तो ये 486 नैनोमीटर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप ये देखें कि एक ही कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पे नीट और जीमेन दोनों ही अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है अब पुनः अपन अपन क्वेश्चन आते हैं पीछे वालों में, तो अपन क्वेश्चन कर चुके थे बेटे जी सेकंड क्वेश्चन कर चुके थे, अब अपन आते हैं थर्ड में वापिस, तो आ जाइए साहब। थर्ड आपसे पूछ रहा है कि एच एटम में 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन जब करता है ट्रांजिशन, और वो भी किसमें, हीलियम। अच्छा क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो कि हाइड्रोजन एटम के n इक्वल टू 2 से 1 में संक्रमण से निकला रेडिएशन हीलियम प्लस की n1 या n2 अवस्थाओं पर पड़ता है, तो हीलियम आयन द्वारा इस रेडिएशन की जो एनर्जी है उससे कौन सा ट्रांजिशन होगा। तो क्वेश्चन को समझे पहले, क्वेश्चन इस तरह से है कि मान लो पहले है एच एटम, और एच एटम इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू 2 से n=1 में कर रहा है ट्रांजिशन। आप जानते हैं 2 से 1 के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कितना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सही है। अब जो फोटोन यहां से निकलता है वो फोटोन हम क्या कर रहे हैं, वो फोटोन हम लोग हीलियम प्लस, जो हीलियम प्लस एटम है उसके n=1 अथवा n=2 में आप इसको कर रहे हो इंसिडेंट, या तो यहां पर या फिर यहां कर रहे हो। अब आप जानते हो ये आपने ढंग से पढ़ा है
तो n इक्वल टू वन और टू के बीच का जो एनर्जी गेप होता है वो 10.2 से ज्यादा होता है। इसलिए कभी भी n इक्वल टू वन में इस इलेक्ट्रॉन का अब्जॉर्प्शन, सॉरी इस फोटोन का अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण संभव नहीं है। तो कहां हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ दो में पॉसिबल है। एक और दो कम से कम गेप ही है, उसके बाद तो गेप और बढ़ता है। तो ध्यान दें आप, जैसे ही फोटोन आप इस पर डालेंगे या फिर इस पर डालते हैं तो फर्स्ट वाले से अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो वो इस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये एनर्जी को आने वाली को एब्जॉर्ब करके कभी एक्साइट नहीं हो सकता। आप यहां इस पर करेंगे तो सिंपल सी बात है, दो से ही इलेक्ट्रॉन यहां पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो एक्साइटेड होगा। ठीक है, अब इसमें सोल्व कैसे करना होगा, अब इसमें कोई इश्यू नहीं है। लोअर जो वैल्यू है यानी ये आपका आंसर नहीं हो सकता, यहाँ एन दो है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, तीन में से कोई सा पॉसिबल है। अब कैसे करेंगे, तो जो फोटोन अपन डाल रहे हैं वो एनर्जी हमारे पास कितनी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आप जानते हो एक्साइटेशन जो एनर्जी होती है उसका वैल्यू होता है 13.6 और यहाँ पे वो है कौन, हीलियम है, तो जेड का स्क्वायर भी होता है बेटा जी, तो दो का स्क्वायर इंटू लोअर वैल्यू कौन सी, 1/n का स्क्वायर, 1/n2 स्क्वायर। तो लोअर तो पता है अपने कितनी, दो का, तो चार आ गया, माइनस कितना 1/n2। बेस्ट, अब इसको सॉल्व कर लो और इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो इसका n का वैल्यू आ जाएगा वो मेरे प्यारे बच्चों वो आप खुद सॉल्व कर लेना, और इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 4। यहां से आप इसमें n की वैल्यू फाइंड करोगे ना तो 4, इसका मतलब 2 से 4 में इसका ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन सेकंड में एब्जॉर्ब करेगा और फिर कहां सेट हो गया, वो फोर्थ ऑर्बिट में चला जाएगा, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन है कि एक हीलियम प्लस आयन अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो इसकी आयनाइजिंग एनर्जी कितनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी हीलियम प्लस है और फर्स्ट एक्साइटेड में है, तो आप जानते हो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है किसी एटम की जो कि बोर थ्रू से अपन फाइंड करते हैं वो है 13.6 और जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। यहां एन वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन है जहां से उसको आपको आयनाइज करना है, जेड उसका आप जानते हो, तो 13.6 इंटू जेड हीलियम प्लस का 2 का एन स्क्वायर कितना है, 4 कर दूं, और एन आप जानते हो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एन इक्वल टू 2 उसका भी स्क्वायर हो गया 4, ये से कैंसिल, तो इसकी एनर्जी कितनी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बढ़े, इसका आंसर तो 4 हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं पर सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि क्वेश्चन यही आते हैं हर साल नीट और जी, यहीं से क्वेश्चन रिपीट करता है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो ये क्वेश्चन अक्सर क्या होता है, जी में और नीट में डिफरेंस ये होता है कि जी हमेशा 2 या 2 से अधिक टॉपिक है उनके जो बड़े कॉन्सेप्ट हैं उनको मिक्स करके फिर नया क्वेश्चन फॉर्म करता है। ठीक है, तो ऐसा होना भी चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, इन ए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 380 नैनोमीटर, इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 260 नैनोमीटर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यहां तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो आप जानते हो कि मान लो कोई मेटल सरफेस है, मान लो सरफेस मेटलिक सरफेस है, आप इस पर डाल रहे हो फोटोन, तो जो फोटोन की एनर्जी होती है उसे कुछ पार्ट आप जानते हो जो मेटल होती है जो कि वर्क फंक्शन के इक्विवेलेंट एनर्जी उसको इमिट होने में बाहर निकालने में कंज्यूम करेगी, उसके बाद जो रिमेनिंग एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं उसको डायरेक्टली वैलेंस उठा रहा हूं, तो के जो उसकी मैक्सिमम होती है आप जानते हो वो है ई, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ये तो होता है ना, आ जाओ। तो अब ई कैसे निकालोगे, तो आपको दे रखा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज दिस, ये उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, तो इससे तो अपन निकाल लेंगे उसकी वर्क फंक्शन की वैल्यू, तो वो तो कितना आ जाएगा 12400, यदि अपन लेते हैं इसको एंगस्ट्रॉम में तो इसको बदल लूं कितना 3800। वैसे कोई अलग से बात नहीं, इशू नहीं है, एंगस्ट्रॉम में अपन फिजिक्स में अक्सर अपन क्वेश्चन एंगस्ट्रॉम में ही सॉल्व करते हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम में या अपन क्लास में पढ़ते हैं तब, तो 12400 अपन कितना 3800 इसको अपन बदल लेंगे, और जो फोटोन इस पे अपन डाल रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी है 260, तो उसको बदल लो कितना 12400 अपॉन कितना, ये हो गया आपका 260000, दोनों किस एंगस्ट्रॉम में आएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इनकी जो वैल्यू है मेरे बेटे जी, जब इनको सॉल्व करोगे आप तो ये जो वैल्यू है ये आपको मिलने वाली है
ये तो हो जाएगा 4.77, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 3.26, और इनको सॉल्व करेंगे आंसर, तो माइनस करोगे तो आप देख लो ये करीब करीब आपका 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, पर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे, आ जाए भाई। चलो तो क्वेश्चन 7 अपन से क्या कह रहा है, ध्यान दें आप। लिथियम प्लस प्लस, इन लिथियम प्लस प्लस, यानी यह है डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम है। इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज एक्साइटेड टू ए लेवल बाय ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। व्हेन द आयन गेट्स डी एक्साइटेड टू द ग्राउंड स्टेट इन ऑल पॉसिबल वेज इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट इमिशंस, ए टोटल ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स आर ऑब्जर्व्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, तो इसको अच्छे से आप समझेंगे। तो क्वेश्चन के बाद फिर पढ़ लें आप। लिथियम प्लस प्लस है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, कहां से पता नहीं अपने को, ध्यान दो आप क्वेश्चन में। देखो ये है n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट। लिथियम प्लस प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन nth लेवल से नीचे ट्रांजिशन कर रहा है, और आपको यह बताया जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल टू ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो टोटल जो मैक्सिमम इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस वो कितनी, 6 है। और आप जानते हो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑल पॉसिबल, वो भी कहां से, n से 1 में, वो होती है बेटा जी, ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है, होता आपका n इंटू एन माइनस 1/2, और जबकि ये आपको दे रखा है 6। अब इससे अपन सॉल्व करते हैं तो आप जानते हो यहां से n का वैल्यू आपको मिल जाएगा 4, यानी 4 × 3/2 से आप सॉल्व करते हो तो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आती हैं, 6 आती हैं। तो यहां ये तो तय हो चुका कि यहां पे लिथियम डबली आयनाइज जो एटम है वो n इक्वल टू 4th स्टेट में अभी एक्साइटेड है। अब वो वहां से नीचे आएगा, यहां इलेक्ट्रॉन कौन से में आ गया, n इक्वल टू 4 में। अब वहां से जब नीचे आएगा तो कितनी एनर्जी का, कितनी वेवलेंथ का फोटोन निकलता है वो आपसे पूछा है। तो आप जानते हो 1/λ इज इक्वल टू आर जेड, जेड यहां पर कितना है लिथियम, तो 3 का स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे आएगा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, ध्यान है कि आ रहा है 4-7 में, तो 4 तो इसकी हायर लेवल हो गया, 1 कौन सा हो गया, लोअर हो गया, तो 1/1 माइनस कितना, 1/4 का स्क्वायर 16, 1/16 हो गया। अब इसको अपन सॉल्व करें तो ध्यान दो, आर इंटू ये हो गया 9 × 15/9 × 15/16। आपको यहां फाइंड करना है लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा, बोलो साहब, 16/9 × 15 r। 1/r आप जानते हो, 1/r नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए, 1/r, r यहां पे रेडबर्ग कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है 920 एंगस्ट्रॉम या 91.2 नैनोमीटर, दोनों आपको जानने चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे बेटे जी, तो 16/9 × 15 और 1/r को अपन क्या लिख दें, 912 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो करीब करीब इसका जो वैल्यू होगा वो 108 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, और बदलना इसको अपन नैनोमीटर में हो तो 10.8 एंगस्ट्रॉम, ये इसका एब्सोल्यूट राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कर लेंगे भाई क्वेश्चन, बढ़े आगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका वेट कर रहा है, आगे हम लोग एट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि एक एन एक्साइटेड हीलियम प्लस आयन इमिट्स 2 फोटॉन्स इन सक्सेशन विद वेवलेंथ 108.8 नैनोमीटर एंड 13.4 नैनोमीटर इन मेकिंग ए ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट, द क्वांटम नंबर एन कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स इनिशियल एक्साइटेड स्टेट इज। क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि हीलियम प्लस में जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर से नीचे आ रहा है। अच्छा, जब नीचे आ रहा है तो ये कह रहा है कि 108 और 30.4 नैनोमीटर के 2 फोटोन इमिट कर रहा है, और कहां पहुंच जा रहा है, वो ग्राउंड स्टेट में पहुंच जा रहा है। ठीक है,
तो अब ये कह रहा है कि द क्वांटम नंबर एन कोरस्पोंडिंग टू इट्स इनिशियल एक्साइटेड स्टेट इज, तो इसकी जो आरंभिक स्टेट है उसका क्वांटम नंबर कितना है। तो पेज अपन खाली कर लेते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। देखो ये मान लीजिए n इक्वल टू वन और ये है कोई nth एनर्जी लेवल, हमें इसका वैल्यू पता नहीं है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से पहला ट्रांजिशन करता है तो कोई फोटोन निकलता है, फिर यहां से आता है तो कोई फोटोन और निकलता है, इसकी वेवलेंथ कितनी लेमडा है, ये मान लेमडा वन है, ये लेमडा टू है। तो पूछा है कि ये एन कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है, कोई इश्यू नहीं है। अब इसको अपन दे रखा है अपनी की वैल्यू, तो इसको अपन एनर्जी मिल सकते हैं ना। जब ये इसकी एनर्जी को मैं ई वन मान लूं बेटा जी, इसकी एनर्जी को मैं यहां पर ई टू मान लूं, तो टोटल गेप कितना हुआ उसको मैं करता हूं ई टोटल, वो है बेटे जी ई वन प्लस ई टू, ई वन प्लस ई टू। अच्छा अब इसको कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं 12400 अपॉन, ये भी कर दो 12400 अपॉन, तो फर्स्ट वाले की जो वेवलेंथ आपको दी जा रही है वो है 108.5 नैनोमीटर, बदल लो इसको एंगस्ट्रॉम में, तो ये आपका हो गया देखो 108.5 एंगस्ट्रॉम, इसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरे वाले में अपने पास है 13.4, तो कर दो इसको 304 एंगस्ट्रॉम। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला है इसका आंसर आपको मिलने वाला है 11.4 प्लस दूसरे वाला जो है इसका आंसर मिलने वाला है 40.8, दोनों का आप जोड़ दीजिएगा और जोड़ने पर इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 62.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसकी आ रही है, कोई इश्यू नहीं है। अब आप लोग यहां से यहां तक का एन से वन की जो एनर्जी उसका आपने वैल्यू फाइंड कर लिया, अब आप जानते हो कि एनर्जी वैल्यू कितना होता है, तो आप जैसे इसका वैल्यू देखो तो 62.22 = 13.6 जेड स्क्वायर। अच्छा इसमें एलिमेंट है कौन से वाला, हीलियम है, तो उसका करता हूं जेड का मतलब 2 का स्क्वायर, फिर 1 अपॉन देखो 1 का स्क्वायर फर्स्ट है ना, माइनस कितना 1 अपॉन एन स्क्वायर, सब कुछ नॉन है इस एन के अलावा। अब मेरे हिसाब से यहां से अब गणना करने में आपकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और इसको आप सॉल्व करोगे पूरा तो एन इक्वल टू कितना 5 आपका आंसर आ जाएगा, एन इक्वल टू 5। समय कम से कम मैं यहां पे यूज करूं ताकि आप बहुत से क्वेश्चंस कम टाइम में रिपीट कर पाए, तो बाकी क्वेश्चन आप कैलकुलेशन खुद करेंगे। ओके अब आते हैं अपन आगे क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। अब ये क्वेश्चन देखो, आप जब इन क्वेश्चंस को अपन रिपीट करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हैं। देखो मेनली जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से, बोर थ्योरी से आ रहा है, बोर थ्योरी नीट और जी मैन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन सॉल्विंग साइट आपकी हो गई, नीट की साइट है ये, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप्स फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, कहां से थर्ड एक्साइटेड का मतलब 4 से सेकंड का मतलब 3 में, पहले 4 से 3 में आ रहा है तो लेमडा 1 निकल रहा है, उसके बाद कह रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सब्सिक्वेंटली टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो 4 से 3 में फिर आ रहा है वो कौन सा, सेकंड एक्साइटेड से फर्स्ट में, यानी फिर बेटे जी आ रहा है 3 से वो 2 में आ रहा है, तो उस केस में आपको निकालना है कि जो वेवलेंथ है उनका रेशियो कितना। अभी अपन ने सीखा था कि 1 अपॉन जो लैम्डा होता है बेटा जी वो था क्या, आर जेड स्क्वायर इनटू 1 अपॉन एन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 का स्क्वायर, ये तो अपन ने पढ़ा है। और आपको इस वेवलेंथ का रेशियो निकालना है तो मैं इसको लिखूं देखो सीधा सा कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर कुछ नहीं होता है, बस इस वाले की वैल्यू आप यहां नोट कर दो, इस वाले की वैल्यू आप यहां नोट कर दो और सीधा डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लो। देखो लैम्डा 1 फर्स्ट वाले में कहां से थे, 4 से 3, लोअर कौन सा है 3, तो 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन कितना हो गया देखो 16। 2 वाले में कहां से कहां है, 3 से 2 में आ रहे हैं तो 1 अपॉन 4 माइनस बेटा जी कितना हो गया 1 अपॉन 9। ठीक है अब इसमें देखो 9 4 36,
9 माइनस 4 कितना 5, तो ये होगा 5/36 अपॉन इस वाले में ये इसका एलसीएम अपन ले तो कितना 9 × 16। और ये मेरे बेटे जी इसको अपन लेंगे तो यहां हो चुका आपका एच क्वेश्चन नंबर 9 में, 3 से 2 में, ठीक है। 1 वाले में कहां से कहां था, बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे करूं बेटा जी, 16 × 9 कितना होता है, या चलो इतना रहने दो एक बार, तो 9 16 में से 9 आप कर दो माइनस, तो ये हो गया आपका 7। अब इसको सॉल्व करना है तो लेमडा 1/λ2 इज इक्वल टू ये हुआ बेटे जी 5/36 इंटू ये हो गया 9 × 16/7। 9 को उड़ा दो इससे, 4 को इससे उड़ाओ कितना 4 5 × 4 20, तो 20/7। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन है जो नीट में और जीएमएन में अच्छे से रिपीट हो रखे हैं। इसका आंसर बेटे जी हुआ कौन सा 20/7। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 10। पेज थोड़ा खाली कर ले बेटे, आ जाओ। क्वेश्चन है कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम रिवॉल्विंग इन इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट हैविंग रेडियस 4.65 एंगस्ट्रॉम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज। तो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एच एटम में कहां पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, आ जाओ तो n=1 n=2 n=3 सेकेंड एक्साइटेड। तो आप जानते वन से जो वन से टू में तो कौन सा है, ये फर्स्ट, ये है फर्स्ट एक्साइटेड, और वन से टू ये कौन सा, वन से थ्री कौन सा हो गया, ये आपका सेकेंड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यानी इलेक्ट्रॉन है कहां पर थर्ड ऑर्बिट में। और आप ये भी जानते हो यहां इसकी एनर्जी कितनी होती है, माइनस की 13.6 या माइनस का 3.4 या माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी होती है, ये इसकी टोटल एनर्जी है। तो इसकी आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आप जानते हो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, इसको नेगेटिव को ओपन कर दें, नेगेटिव यानी इसका प्लस कर दूं तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी पॉजिटिव में क्या आ गई, ये है बेटा जी इसकी काइनेटिक। अब आप पूछा क्या है, पूछा है कि इस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है, सिंपल सा खेल है, कुछ रहा ही नहीं। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है, 12.27 अपॉन रूट, यहां अपन लिखें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो सीधा हमारे पास वैल्यू कितना है 1.51। अब इसको सोल्व करेंगे तो 12.27 अपॉन 1.51 का जो रूट है वो अप्रोक्सीमेट 1.22 के आसपास आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे आप तो सोल्व करने पे इसका जो आंसर है बेटे जी वो है 9.7 एंगस्ट्रॉम, ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 9.7। क्वेश्चन नंबर 10 हम कर चुके, भी 10 आपका हो चुका है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट इन ए हाइड्रोजन एटम इज 1.6 × 10⁻⁶ सेकंड। पहले इसको समझें आप कि ग्राउंड स्टेट में एक चक्कर को पूरा करने में टाइम कितना लगा है, 1.6 वाला, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड फर्स्ट ऑर्बिट में टाइम पीरियड, और इसको 1/ कर दूं एफ नॉट फ्रीक्वेंसी के रूप में, तो हमारे पास इसकी वैल्यू है बेटे जी 1.6 × 10⁻⁶ सेकंड। तो पहले ऑर्बिट में इसको इतना समय लग रहा है। अब पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में होता है
तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो आपसे पूछ जा रही है। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि जो फ्रीक्वेंसी जो होती है एफ वो है कितना, वन अपॉन टी। अच्छा जी, टी होता है क्या है, एक चक्कर को पूरा करने में तय दूरी, टू पाई आर अपॉन वी, वी को ले जाऊं तो कर दो येलो साहब। अब अपने को इसमें जेड और जेड तो यहां पे है कितना, एक एक हो गया, तो आर की अब अपने को एन पे डिपेंडेंस इस पूरी फ्रीक्वेंसी की एन और जेड पे देखनी पड़ेगी डिपेंडेंस। तो वन अपॉन टू पे तो कॉन्स्टेंट है, मैं कर दूं इसको वी अपॉन आर, यानी आप देखिए एफ जो है वी अपॉन आर की प्रोपोर्शनल है। अब आप ध्यान दो, वी तो होता है जेड अपॉन एन के प्रोपोर्शनल और आर होता है कितना, एन स्क्वायर अपॉन जेड के प्रोपोर्शनल, ये होगा। अब इस पूरी को अपन कंबाइन कर देंगे, देखो जेड स्क्वायर अपॉन कितना एन की पावर थ्री, इस पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है। अब यहां से पता लगा आपने को कि एफ प्रोपोर्शनल वन अपॉन एन स्क्वायर है, तो एन हमारे पास था कितना, दो है, एन की वैल्यू यहां पे टू है, तो एन की वैल्यू टू होने पे एफ डेस यानी सेकंड वाले में कितनी हो गई, ध्यान दो अब, यानी एफ डेस अपॉन में एफ करता हूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी, एन अपॉन ये एन डेस का स्क्वायर आया ना, एन डेस कितना है एन, एन तो कितना वन है, एन डेस कितना है टू है, तो इसमें वन अपॉन टू का इसकी पावर कितनी थ्री बेटा, तो ये हो चुका आपका वन अपॉन एट। अब इसको सोल्व करेंगे तो एफ डेस है कितना, ये है एफ और एफ को मैं एफ नोट कर दूं पहले वाले को, एफ अपॉन एफ नोट अपॉन बेटा जी कितना आठ हो चुका। अब इसको मैं ये लिख दूं एफ नोट कितना वन अपॉन टी, तो आठ टी नोट बस। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी फ्रीक्वेंसी एफ नोट है तो सेकंड ऑर्बिट में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, वो हो चुकी है एफ डेस इक्वल टू वन अपॉन एट टी नोट। या तो इसको एफ नोट अपॉन एट कर दो या एफ नोट इक्वल टू वन अपॉन टी अपन कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हो। टी नोट की वैल्यू अपने को मालूम है देखो, इसलिए इसकी अपन वैल्यू निकाल लेंगे अब। तो एफ डेस अपॉन वन अपॉन एट इंटू टी नोट की वैल्यू हमारे पास ये देखो 1.6 इंटू ये है 10 की पावर माइनस का 16। अब इसमें यदि इस पूरे को अपन यहां से ऊपर लाएंगे तो पावर माइनस से प्लस हो जाएगी। अब उसमें मैं ऐसे करता हूं, पूरी प्लस की हो चुकी तो उसमें से 100 इधर ले लेता हूं, 100 इंटू 10 की पावर दो पावर इस तरह ले चुका हूं तो बची कितनी 14 हो गई अपॉन ये हो गया आपका 8 इंटू 1.6 सही है। अब ये 100 है ये आपका करीब करीब 10 के आसपास हो गया, तो 10 यानी आप देखो इसमें आंसर जो है पावर चेक करो पहले, दो पावर 14 ये 14 है ये सॉरी ये 15 है ये 14 है, यानी ये तो आंसर संभव ही नहीं है ना, या तो ये वाला आंसर संभव या फिर ये वाला संभव है। तो आप जी मैन में या नीट में क्वेश्चन को भी टिक करना आपको आना चाहिए, पूरी की पूरी आप कैलकुलेशन करें फाइनल उसका डाटा निकालें, उससे पहले ही आप कई बार आंसर तक पहुंच चुके होते हो और क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं, समझे ना। तो इस तरह से आप देखो यहां इसका आंसर है वो 10 इंटू कितना अप्रोक्सीमेट और 10 की पावर 14 आ जाएगा और इसका आंसर कौन सा, फर्स्ट, बिल्कुल राइट आपका बन जाएगा। तो देखो बहुत जल्दी अपन क्वेश्चन 11 सॉल्व कर चुके हैं, अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ते हैं, तो आप जानते हो कि जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मान लो ये था आपका कोई रेस्ट न्यूक्लियस गोल्ड और इस पे अपन डालते हैं अल्फा पार्टिकल्स दो, इसका डायग्राम अगर आपको ध्यान हो जो ठीक इसके सामने आता है वो वापिस 180 डिग्री पर स्केटर होता है और जिनकी वैल्यू जो थोड़ा कम पे होते हैं वो इस तरह से निकलते हैं, कुछ इधर भी निकलते हैं, स्कैटरिंग एंगल पढ़े होंगे। तो आपने यहाँ इसका रिजल्ट पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अल्फा पार्टिकल हैं बिना किसी डेविएशन के पार हो जाते हैं, उसमें कोई डेविएशन नहीं है, बहुत कम होते हैं जो कि जो इसका जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर कितना जीरो होता है, जिसका सेंटर यानी पार्टिकल जो है उसकी लाइन और इसका जो न्यूक्लियस उसका सेंटर लाइन अगर एक ही पाथ पे हो एक लाइन पे होते ही हो तो वहां इसका स्कैटरिंग एंगल तो कितना 180 डिग्री का हो गया, पर उनकी संख्या बहुत कम है, लाखों में कोई एक या दो इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो पुनः अपने उसी पाथ को रिट्रेस करते हैं, पुनः उसी पाथ को रिट्रेस करते हैं। तो इससे तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, आप इसको समझ पा रहे हो कि मोस्ट ऑफ अधिकांश तो बाहर निकल रहे हैं, अधिकांश तो इसमें बाहर निकल रहे हैं, तो थीटा इसमें अपन पाइथ तक ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं,
तो जीरो डिग्री पे तो बहुत अधिक है, तो आप देखें यहां पे जीरो पे तो बहुत कम है, यहां जीरो पे बहुत कम है, और ये स्ट्रेट लाइन है नहीं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट होता है। तो इसमें ओनली आंसर कौन सा आपका फोर्थ वाला बन जाता है, इसमें कोई किसी प्रकार की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, आ जाओ। तो ये है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज ए हाइड्रोजन लाइक एट आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 9 रिडबर्ग। अच्छा, रिडबर्ग एनर्जी जो है आपको ध्यान होना चाहिए, इसका वैल्यू होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक रिडबर्ग का जो वैल्यू है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट से इसको आयनाइज करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि आयोनाइज एनर्जी होती कितनी है, फर्स्ट से इनफिनिटी तक उसको आपको ले जाना होता है, फर्स्ट से इनफिनिटी तक। और आप जानते भी हैं ये एक तरह से बाइंडिंग एनर्जी है, जो इसकी फर्स्ट जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी के नेगेटिव के बराबर है, माइनस ऑफ ई कौन सा 1, तो माइनस ये खुद माइनस का तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन 1 स्क्वायर, जो भी पहला ऑर्बिट है। अब 1 भी हो सकता है, को 2 भी हो सकता है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए है तो ये 1 हो चुका, तो इसको 1 कर देंगे अपन, इसको 1 करते ही होगी वैल्यू कितनी 13.6 जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको दे रखा कितना है, इस एनर्जी की वैल्यू बेटे जी है कितना 9 × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 13.6 से इसको उड़ा दूं तो जेड स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास कितना 9 आया, और इसको सोल्व करने पे प्यारे बच्चों जब जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो कौन सा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ये लिथियम डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम आपको दिया गया है। अब कह रहा कि इस आयन में, क्वेश्चन पढ़ना आप, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन दिस आयन जंप्स फ्रॉम द सेकंड एक्साइटेड यानी थर्ड टू द ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट, जब इसमें 3 से 1 में ट्रांजिशन होता है तो जो फोटोन यहां से निकलता है उसकी वेवलेंथ कितनी है। अब कोई दिक्कत नहीं है, तो 1/λ इज इक्वल टू आर, ठीक है साहब, जेड का स्क्वायर, जेड अपने मिल चुका कितना, बोलो बोलो 3, उसका स्क्वायर कर दूं क्या, ये लो 9 इनटू, कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है 3 से 1 में, तो लोअर कौन सा 1, तो 1/1 तो 1 माइनस कितना बेटा जी 1/9, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब 1 − 1/8 एलसीएम 9, 9 − 1 कितना 8/9, तो ध्यान दो इसको, ये है 9R × 8/9, 9 से 9 कैंसिल, तो 8R हो चुका। और इससे सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो लेमडा हमारे पास हो चुका है 1/8R, जिसमें 1/r कितना होता है, ये होता है 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन एट, ये एंगस्ट्रॉम में है। यदि आपको निकालना है इसको किस में, नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर में आप इसको जब बदलेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा 91.2/8 नैनोमीटर। अब इसको सॉल्व करने पे इसका जो आंसर है देख लो आप, चाहे अच्छे से 8 को आप 9 में पर डिवाइड करो तो 1.11, और ये सिर्फ किस कौन सा है, थर्ड, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं ना, तो बिल्कुल इसका अच्छा सा आंसर आपको मिल गया थर्ड। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन आ गया 15, आ जाओ क्वेश्चन है, देखो, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10^-3 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी डिश, देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, क्वेश्चन समझना पहले, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है उसकी वेवलेंथ का 10^-3 टाइम्स है, तो देखो लेमडा इलेक्ट्रॉन और ये है 10^-3 ऑफ लेमडा फोटोन। आप जानते हैं v इक्वल टू होता है n लेमडा,
फोटोन के लिए वी का वैल्यू कितना, सी इज इक्वल टू अपन लेते हैं इसको म्यू इंटू लेमडा, तो लेमडा कितना हुआ सी अपॉन म्यू। तो क्वेश्चन आपका था ना, तो लेमडा, अब लेमडा फोटोन की वैल्यू अपन चेक करें बेटे देखो, तो 10^-3 तो लेमडा फोटोन अपन इसे निकालें सी अपॉन म्यू हो गया, तो इंटू सी बाई म्यू, इसकी वैल्यू अपन निकाल लेते हैं पहले, 10^-3 इंटू सी हो चुका है 3×10^8 अपॉन फ्रीक्वेंसी म्यू, म्यू की वैल्यू है देखो अपने पास 6×10^14 6×10^14 इसको उड़ा दूं, ये हुआ साहब 2। तो यहां -3/8 5, यदि इसको मैं 10×10^7 करता हूं तो 10/2 कितना पहले ले लेता हूं 5 इंटू 10^ अब कितनी रहेगी, तो 7 में से 3 गया 4 10, तो 5×10^-10 meter। हाँ, इसमें आपको फाइंड करना क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के अनुसार जो लैम्डा इक्वल टू होता है h/mv, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लैम्डा अपन ने फाइंड कर ली मेरे बेटे जी 5×10^-10 meter, ऐसा सिस्टम में है। अब ओनली आपको इसे v निकालना, तो मेरे बेटे जी v का मान हमें यहां से फाइंड कर लेना है, तो v की वैल्यू हमारे पास आई h/me(5×10^-10। अब h 6.63×10^-34 ये आप पुट कर देंगे, m कितना 9.1 वाला है इसको पुट कर देंगे, और इसको सॉल्व करने पर फिर इसका आंसर आपको 1.45×10^6 मीटर पर सेकंड है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, बाकी काम मैंने आपको समझा दिया है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन देखो, ये अपन कर चुके बेटे जी, अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन देखें पहले, ए पार्टिकल ए मास स्मॉल m एंड चार्ज क्यू, ए जो पार्टिकल उसका मास स्मॉल m है चार्ज क्यू है, इज असलेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, ये फर्स्ट के लिए। अनदर पार्टिकल बी मास 4m चार्ज क्यू, चार्ज तो कांस्टेंट है इसको हटा देंगे, असलेशन बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस, यानी मास और इसमें वोल्टेज डिफरेंट है, तो आपसे पूछा है कि इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो कितना है। तो ध्यान दो, लैम्डा जो होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ वो कितना h/m(v) मोमेंटम होता है, या अपन करें इसको h/(2mk), यानी k यहां पे बेटा काइनेटिक एनर्जी है। और अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज कितना q हो उसको वोल्टेज v से करते हैं असलेटेड, तो q कितना होता है q(v), तो 1/√ ये बेटा जी होगा 2m(qv). यहां पे ध्यान दो q तो कांस्टेंट है दोनों के लिए बराबर है, तो मास और v यहां पे डिफरेंट है, तो प्रोपोर्शनल तो हो चुका 1/√m(v). अब बस इसी से इस फॉर्मूले को आपको यूज करते हुए आंसर निकाल लेना है। आप पूछा है लैम्डा a/b, ओके आंसर आपका आ चुका है, लैम्डा a/b बराबर रूट कर दो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो a वाला फर्स्ट वाला नीचे आएगा, यानी ये हो चुका आपका ma और ये वोल्टेज va, ये कौन सा आपका mb और ये हो चुका बेटा जी vb, मासेज और वोल्टेज इनकी वैल्यू ढंग से पुट कर दो। आ जाओ mb का मास कितना देखो साहब, सेकंड वाले का मास 4m इंटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2500 वोल्ट, और पहले वाले का मास स्मॉल m है और उसको अपन ने 50 वोल्ट से किया है असलेट, येलो उड़ाओ इसको, m से m कैंसिल हो चुका, जो से उसको उड़ा दूं, अब इसको उड़ाएंगे तो कितना हुआ 25 × 4 ये हुआ कितना 50 × 4 कितना हुआ 200, तो √200। तो इसको अपन चाहें तो 2×100 कर दें, तो यानी 10√2, और √2 कितना होता है 1.414, उसको अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.14, ये इसका रेशियो आ गया, आंसर कौन सा है 4। बड़े क्वेश्चन आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पढ़ें
ये कह रहा है टू पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, राइट एंगल पे हैं, दे देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ आर लैम्डा वन एंड लैम्डा टू रेस्पेक्टिवली, द पार्टिकल्स सफर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द फाइनल पार्टिकल इज गिवन बाय, ओके मान लो ये पहला पार्टिकल है और ये है बेटा जी दूसरा पार्टिकल, दोनों कैसे मूव कर रहे हैं 90 पर, इसकी वेवलेंथ है वो है लैम्डा 1 और इसकी वेवलेंथ है लैम्डा 2, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, दोनों क्या कर रहे हैं इस पॉइंट पे टकरा रहे हैं, टक्कर होने के पश्चात दोनों कंबाइंड होकर के फिर मूव कर रहे हैं, तो मूव तो डेफिनेट है वो इस तरफ मूव करेंगे और दे रखा है कि इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कंबाइंड कितनी है लैम्डा है, कोई इशू नहीं है। अब आप ये जानते हो कि जो भी यहां पार्टिकल बनने वाला है और ये प्रोसेस एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो ये है बिफोर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन, और आप पढ़ते हो कि टक्कर किसी प्रकार की हो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑलवेज वैलिड, तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम आप फाइंड कर सकते हो लैम्डा के टर्म्स में, इसको अपन लिखे हैं तो इसका मोमेंटम कितना है लैम्डा 1 वाले का एच अपॉन लैम्डा 1, पर ये तो आई की तरफ है और ये कौन सा है वो जे की तरफ है मान लो, तो अगर मैं इसमें ओनली अप्लाई करता हूं बाई कोलम यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इनिशियल टोटल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट वाले का वेवलेंथ दे रखा हो तो इसका मोमेंटम कितना हुआ, देखो ये है बेटा जी एच अपॉन लैम्डा 1, इसको मैं लिखूं डायरेक्शन इसका आई केप, प्लस दूसरे का है एच अपॉन लैम्डा 2, कोई भी दो डायरेक्शन आपको लेनी पड़ेगी, कोई आवश्यकता नहीं कि आप इसमें इसको प्लस आई में लें इसको उधर ले लें इसको उधर, कुछ भी ले लो आप दो 90 डिग्री पे इस तरह से आपको लेने पड़ेंगे, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो एच अपॉन लैम्डा 1 आई के प्लस एच अपॉन लैम्डा 2 इसको जे के ले लें इज इक्वल टू, ये मान लूं जो लास्ट पार्टिकल है उसका मैं करता हूं मोमेंटम, ये पी नेट आपको मिल गया, सही है। क्या हम इस पी नेट जो इन दोनों के सम के बराबर है क्या इसका मोड निकाल सकते हैं क्या, यस इसका मोड भी अपन निकाल सकते हैं, इसका मोड हमारे पास क्या होगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का रूट कर दूं, ये लो साहब रूट, तो रूट अपन इसमें करेंगे तो एच स्क्वायर अपॉन ये, तो एच को तो अपन स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, वो तो हो गया आपका एच तो बाहर आ गया, देखो तो यहां शेष रहा 1 अपॉन लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस कितना 1 अपॉन लैम्डा 2 स्क्वायर, बात कंप्लीट। तो पी नेट जिसको मैं कह दूं एच अपॉन लैम्डा दे रखी है कि कंबाइंड जो पार्टिकल बनेगा उसका दे रखा है डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, तो अब इसका वैल्यू आपको फिर मिला है एच इनटू देखो रूट ऑफ 1 अपॉन लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 स्क्वायर, ओके अब यहां से इसको उड़ा दूं तो मेरे पास 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू ये है, पुनः स्क्वायर कर दूं तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 स्क्वायर, ये इसका आंसर आपको आ जाएगा। ध्यान दें जब ये टक्कर से पहले कैसे हैं, टक्कर से पहले ये 90 पे मूव कर रहे हैं इसलिए इस तरह से क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। आप देखें जस्ट इसके सिमिलर क्वेश्चन एक और है, मैं आपको वहां ले चलता हूं, ये क्वेश्चन है बेटे जी क्वेश्चन नंबर 19, तो अपन पहले 90 पर पहुंच जाते हैं, यहां पढ़ो कि ए पार्टिकल पी इज परफॉर्म्ड ड्यू टू ए कंप्लीटली इनलास्टिक, इसका आंसर तो आपको मिल चुका है 17 आपका हो चुका है, मैं आ चुका हूं एक बार 19 वाले क्वेश्चन पे, तो वहां कह रहा कि ए पार्टिकल पी इज फॉर्म्ड ड्यू टू ए कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन ऑफ ए पार्टिकल एक्स एंड वाई, दो पार्टिकल एक्स और वाई है उनके कंप्लीटली इनलास्टिक, इसका मतलब आफ्टर कोलिजन दे विल कंबाइंड टू इच अदर, ये स्टिक हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे फिर मूव करेंगे, और जो एक्स और वाई है उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई है, इफ एक्स एंड वाई वर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पी इज, बिल्कुल ध्यान दो अच्छे से देखो आप इस क्वेश्चन में, बस हल्का सा डिफरेंस ये है कि दो पार्टिकल एक्स और वाई है, एक्स मूव कर रहा है इस तरफ वाई कर रहा है मूव इस तरफ, दोनों मूव कर रहे हैं अपोजिट और फिर ये आपस में टकरा रहे हैं, मान लो यहां ये टकराए, टक्कर होने के पश्चात जो एक इसमें एक नया पार्टिकल बन गया और वो पार्टिकल इसमें से किसका मोमेंटम ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग मोशन शो करेगा,
अपने को उससे मतलब नहीं। अभी अपन ऐसे मान लें, तो दे रखा है अपने को, इसकी वेवलेंथ है लैम्डा एक्स बेटा जी, और इसकी है लैम्डा वाई। ठीक है, आ जाओ वापिस वही बात, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मोमेंटम मान लो प्लस में, इसका मुझे नेगेटिव मानना पड़ेगा। अब यहां ये माइनस अगर आई में है ना, ये प्लस आई केप में माइनस आई केप में था, और पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक अगर आई में दूसरा जे में है, यदि एक जे में दूसरा के में या आई में से किसी एक में लेना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। तो इसमें अपन याद करेंगे, तो पहले वाले का मोमेंटम बेटा कितना हो, देखो एच अपॉन लेमडा एक्स आई के, दूसरे वाले में एच अपॉन लेमडा वाई माइनस आई के लेना पड़ेगा इज इक्वल टू वेक्टर पी। अब यहां जो दोनों माइनस माइनस के रूप में है, तो देखो एच अपॉन लेमडा एक्स माइनस एच अपॉन लेमडा वाई, मैं इसके साथ आई केप कर सकता हूं इक्वल टू पी, ये मेरी वैल्यू आ गई। इसका मोड आपको लेना हो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मोड आपको लेना हो तो पी, और पी वैसे है कितना वन अपॉन लेमडा इक्वल टू, मोड है कितना, डायरेक्शन हटानी है इसमें से, तो बेटा जी देखो अपने पास वैल्यू आ गई पी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, और ये हमारे पास है एच, मैं इसमें कॉमन ले लूँ तो हो गया वन अपॉन लेमडा एक्स माइनस वन अपॉन लेमडा वाई, एच से एच उड़ा दूँ तो वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, चाहो तो इसका मैं यही ले लूँ एलसीएम लेमडा एक्स लेमडा वाई, ये हो गया आपका लेमडा वाई माइनस लेमडा एक्स, कोई इशू नहीं है। अब ओनली इसका रिवर्स कर दो ना, तो हमारे पास सीधे देखो इसका आंसर हो गया लेमडा इक्वल टू लेमडा एक्स लेमडा वाई अपॉन लेमडा वाई माइनस का लेमडा एक्स। तो लेमडा एक्स लेमडा वाई में कोई दिक्कत नहीं है आप में, इसको जो लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई जो है इसका डिफरेंस लेके उसका मोड करके आप इसका सोल्यूशन दे सकते हो। तो देखो दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से इसमें काम आ रहे हैं कि पार्टिकल की इनिशियल डायरेक्शन किस तरह से थी, वो सेम डायरेक्शन में थे कि अपोजिट थे या म्यूचुअली 90 पे थे, उससे आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए। अब इसके अलावा भी किसी और कोण पे हो, एंगल पे हो, तो भी आप क्वेश्चन करने आने ही चाहिए। देखो इतना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब अपन वापिस आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएं, और ये क्वेश्चन भी बस इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे से इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। ध्यान दे भाई, ए न्यूक्लियस ए विद ए फाइनाइट डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा ए अंडरगोज स्पॉन्टेनियस फिजन इंटू टू न्यूक्लियाई बी एंड सी ऑफ इक्वल मास। एक न्यूक्लियस है ए, वो अचानक क्या कर रहा है, वो रेस्ट में है पहले, अचानक उसका हो रहा है फिजन और दो पार्टिकल बन रहे हैं बी और सी जिसके मास कैसे इक्वल हैं। बी फ्लाइज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए, ए जिस तरफ मूव कर रहा था बी उस तरफ मूव कर रहा है, वाइल सी फ्लाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी इक्वल टू हाफ ऑफ दैट ऑफ बी, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ ऑफ दैट बी, द डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा बी एंड लेमडा सी ऑफ बी एंड सी आर रेस्पेक्टिवली। बहुत प्यारा प्रश्न है। देखो तो क्वेश्चन देखो आप पहले कि मान लो ये कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल नहीं, ये एक कोई न्यूक्लियर सबस्टांस है, न्यूक्लियस इसका फ्यूजन होने वाला है, इसका मास मैं मान लेता हूं बेटा जी एम इसका, और ये रेस्ट में है, अचानक इसका हो चुका है न्यूक्लियर फिजन, यानी ये फ्रेगमेंट्स में टूट गया, दो इसके पार्टिकल बन गए, इसको मैं कह रहा हूं मान लो बी, इसको मैं कह रहा हूं सी, और इनके मास कितने आपको दे रखा है m बाई टू और m बाई टू, दोनों के मास कैसे बेटे जी इक्वल हैं। अच्छा इसमें एक हिंट आपको दे रखा है जिसको पढ़ें आप, कि दोनों मूव कैसे कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यदि इसको अपन पर जैसे दे रखा वैसे लूंगा, बी कैसे मूव कर रहा है ए की डायरेक्शन में, तो बी तो मूव कर रहा है इस तरफ और सी कर रहा है मूव इसके ठीक अपोजिट, अच्छा एक हिंट और क्या था इसमें, अगर मैं इस बी की स्पीड को मान लेता हूं वी नॉट, तो इसकी स्पीड कितनी रखी अपने को आधी वी नॉट बाई टू, वी नॉट बाय टू, और ये रेस्ट में है, सॉरी रेस्ट में तो है, कैसे हो सकता है इसका रेखा डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो इसकी स्पीड मान लेते हैं अपन कौन सा, मान लो वी मान लेता हूं, ये ऐसा अपने को क्वेश्चन हो चुका। अब मैं यहां पे लगाता हूं पहले
क्योंकि आपको इसकी स्पीड दे रखी नहीं, वहां तो अपन कुछ दे रखे थे हिंट, तो अपन इसको एज्यूम कर लिया, यहां कुछ दे रखा नहीं है। तो मैं यहां अप्लाई करता हूं पहले बेसिक रूप से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ध्यान दो। तो ये तो है टक्कर से पहले या प्रोसेस से पहले, और ये प्रोसेस के बाद। तो इसका मोमेंटम मैं पहले पी मान लेता हूं, पी ए मुझे पता नहीं है। अच्छा, पी ए डायरेक्शन फिक्स है, जो डायरेक्शन इसकी है बी की, वो किसकी है ए की। अब इसका अपन देखें तो ये हो गया m बाई टू, देखो m बाई टू इन टू वी नॉट, इसको मैं लेता हूं आई केप, वो हो चुका m बाई टू इन टू वी नॉट बाई टू इन टू आई केप, अपोजिट है भाई। अब ये तो है आधा प्लस का, और ये हो गया आपका वन अपॉन फोर पाव माइनस का, दोनों है सेम डायरेक्शन में, तो ये इसमें हो गया ज्यादा, ये कम हो चुका, तो आपका आंसर हो गया वन बाई फोर एम नॉट वी इंटो वी नॉट आई के। तो पी ए का मान ही हो चुका वन अपॉन फोर एम नॉट वी नॉट, सही बात है ना। इसका मोमेंटम आपको मिल चुका है, अब इससे अपन सारों को कंपेयर भी कर सकते हैं ना। चलो ठीक है, तो ध्यान दो बेटे जी, मैंने यहां पर पी ए फाइंड कर लिया कंपेयर करने के लिए, वो हमारे पास है वन अपॉन फोर एम नॉट वी नॉट, उसका मैं मोड ले रहा हूं, और पी बी की बात करता हूं तो उसका मोड मेरे बच्चों हमारे पास आ रहा है वन बाय टू, यानी देखो ये हो गया आपका एम नॉट वी नॉट बाय टू, और अगर मैं देखता हूं इसमें पी सी, तो पी सी का कितना है वन अपॉन फोर एम नॉट वी नॉट, समझो। इसका मोमेंटम अपन ने फाइंड कर लिया कितना, वन अपॉन फोर एम नॉट वी नॉट, उसका मोड में ले लिया। अब पी का जो मोमेंटम था वो अपन ने फाइंड कर लिया वन अपॉन फोर के टर्म्स में। अच्छा, बी का भी निकाल लिया, सी का भी निकाल लिया। अब आप चेक करो कि पी और सी का जो मैग्नीट्यूड है मोमेंटम का, वो तो इक्वल है, और इसका मोमेंटम कैसा है, वो इनसे डबल है। और आप जानते हो जो लेमडा होता है, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी होता है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी लेमडा ए है, तो डेफिनेट है लेमडा सी का जो वैल्यू है, दोनों के मोमेंटम सेम होने पर ये तो लेमडा ए के बराबर ही होगा। पर लेमडा जो बी है उसको अपन चेक करेंगे, तो आप देखें इसका मोमेंटम कितना, इसे डबल है, तो मोमेंटम की डबल होने से लेमडा इसकी हाफ हो जाएगी, तो लेमडा ए बाई टू, बस सही है। ओके, तो क्वेश्चन आपका ये हो चुका है, इसका आंसर आपको मिल चुका है। अभी देख लें आप क्वेश्चन नंबर 18 पे अपन थे, तो लेमडा ए और लेमडा ए बाई टू, इसका आंसर कौन सा आपका थर्ड आ जाएगा। 19 अपन डिस्कस कर चुके हैं, अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल एम एंड ए फोटोन हैव द सेम एनर्जी ई, दोनों की एनर्जी सेम है और कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन कितना है, तो कोई इश्यू नहीं है। लेमडा जो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ और लेमडा कौन सा फोटोन, इनका रेशियो आपसे पूछ जा रहा है, बिल्कुल वैल्यू फिक्स होती है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ किस में, एनर्जी ई की टर्म्स में, कितना आप जानते हो, एच अपॉन रूट ऑफ 2m के स्थान पे ई कर दूं। अच्छा, फोटोन की लेमडा के टर्म्स में एनर्जी कितनी होती, ई इज इक्वल टू आप पढ़ते हो है एच सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा कितना, एच सी अपॉन ई हो गया बेटा, तो यहां लिख दूं इसको एच सी अपॉन ई। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो एच से तो एच आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहां अपने पास वैल्यू कितनी, वन अपॉन देखो रूट 2m ई इनटू जो नीचे हमारे पास था एच सी बाई ई में, एच तो कैंसिल हो चुका, तो ये सी बाई ई, सी बाई ई तो उल्टा करो इसको, तो ई बाई सी हो गया, ठीक है, सी तो ऑलरेडी यहां से पहले से बाहर है, तो सी को तो अपन ले लें यहां से बाहर, ठीक है, और ई को अपन इसमें साथ लें, देखो सी को छोड़ रहा हूं, अगर ई को इसमें साथ लेंगे रूट के साथ, तो रूट में लेने के लिए इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी दोनों को साथ लें, ई से ई आपका हो गया कैंसिल, तो इसका आंसर देखो वन अपॉन सी इंटू रूट ऑफ, ऊपर ओनली ई रह गया, अपॉन कितना नीचे हो जाएगा कौन सा 2m, तो 1 अपॉन सी रूट ई बाई 2m, येलो सर्विस का आंसर सेकंड।
और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन उसका मास कितना स्मॉल एम है, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है अपने को, वी नॉट स्पीड में वेलोसिटी वैसा है, वी नॉट आई के प्लस कितना, वी नॉट जे के, इनिशियल वेलोसिटी इसकी है, और ई कैसा है इसकी ठीक 90 पे लगा रखा आपने माइनस का ई नॉट के केप में, दोनों के आई के भी 90 पे है, जे के भी 90 पे है। अब ये पूछा कि यदि इस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का इनिशियल वैल्यू लैम्डा नॉट हो तो टी समय के पश्चात इसका लैम्डा कितना होगा, टी समय बाद इसका, तो टी पर देखो इनिशियली आपको कोई पूछे ना तो अभी इसका वी कितना है, वी नॉट आई के प्लस वी नॉट जे के पे है, तो इसका इनिशियली जो वेलोसिटी है उसका ऊपर निकाल लें मैग्नीट्यूड, दो 90 पे है, 90 पे होने में रूट टू वी नॉट हो गया, तो एक तरह से देखो इसकी पहले दे रखिए लैम्डा नॉट, ध्यान दो अच्छे से, लैम्डा नॉट है कितना एच अपॉन एम इंटू वी, वी कौन सा, वी इनिशियल का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट, और ये एच अपॉन एम इंटू वी इनिशियल मेरे प्यारे बच्चों वो है रूट टू वी नॉट, ये पहला काम आपका हो चुका। अब इसके ठीक 90 पे आपने ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इसकी अप्लाई करने से अब इसकी टी समय बाद वेलोसिटी अलग होगी, तो पहले अपन वो ही निकाल लें इसकी, तो वी इक्वल टू आप पढ़ते हो वो होता है बेटा जी यू प्लस ए टी, सॉरी ये वेक्टर आपको ए पे लगाना है, टी पे नहीं होगा ना, ये तो कौन सा आपका स्केलर होता है। अच्छा तो यू इनिशियली कितनी देखो आपको मिल रखा है पहले से वी नॉट आई केप प्लस वी नॉट जे केप, ये तो इसकी इनिशियल स्पीड है जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, कॉन्स्टेंट है। अच्छा ए कितना होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा कि यहां पे ई अप्लाई करने से उसका ए कितना हुआ, एफ बाई मास अपॉन फोर्स बाई मास, फोर्स कितना क्यू इंटू ई, तो देखो ये एफ बाई एफ हमारे पास कितना क्यू इंटू ई, और इलेक्ट्रॉन के लिए है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, यानी कर दो इसको ई इंटू ई नॉट बाई स्मॉल एम, और डायरेक्शन कितनी आपकी हो जाएगी के के। फिर एक बार देख लो हमारे पास, अच्छा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसके साथ t भी लगाना पड़ेगा, बात देख लो अच्छे से, यानी इनिशियल उसकी वेलोसिटी हमारे पास ये थी, इससे अपन इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब t समय पे इसकी स्पीड कितनी है, आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा कांस्टेंट है, इसलिए इसका a भी कांस्टेंट आएगा, और a के कांस्टेंट होने पर आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो, मैंने अप्लाई कर दिया, तो u प्लस ए टी, यू अपन को पता है, और अपन ने इसमें इसका a कितना निकाल लिया, a हमारे पास है फोर्स बाई मास, फोर्स कितना हुआ q इंटू ई, अब q भी कैसा माइनस का 1 है इलेक्ट्रॉन, माइनस 1 e, तो माइनस इंटू माइनस क्या प्लस हो जाएगा, आप इसको ऐसे कर लेंगे। अब देखो आपको इसमें और बड़ा काम नहीं करना है, अब इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, तो ये i, j और k तीनों 90 पे हैं, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका, तो v नॉट स्क्वायर, v नॉट स्क्वायर कर दो 2 v नॉट स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो e e नॉट t बाई स्मॉल m इसका स्क्वायर का रूट, ये इसकी बात की स्पीड आ गई। अच्छा अब पूछा है तो t समय पश्चात इसकी वेवलेंथ कितनी है, तो क्या करें, आप जानते हो लैम्डा कितना होता है, h अपॉन m इंटू वी, h अपॉन m इंटू वी, v के स्थान पे क्या लिखोगे भाई, v के स्थान पे आप ये लिखोगे जिसमें से अपन चाहें तो पहले से ही v नोट का स्क्वायर अपन कॉमन ले लें, या रूट टू वी नोट के रूप में ले लेते हैं तो और अच्छा रह जाएगा। चलो तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, h इक्वल टू एच सॉरी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, अच्छा जी v हमारे पास ये ऑलरेडी है, तो इसमें से अगर देखो मैं अंदर से इसमें टू वी नोट स्क्वायर कॉमन ले लूँ बेटा, है ना, जैसे इसको अगर मैं यहीं लिखता एक बार वापस, तो मेरे पास v का जो वैल्यू है मैं 2v नॉट का स्क्वायर अगर अंदर कॉमन लेता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 1 प्लस ये देखो ee नॉट e स्क्वायर e नॉट का स्क्वायर, ये आपका t स्क्वायर अपॉन ये m स्क्वायर, और ये हो चुका आपका कितना 2v नॉट का स्क्वायर, यस। अब इसका रूट है तो इसको रूट के रूप बाहर लेंगे तो रूट टू इंटू कर दूं यहां पे देखो वी नॉट, ध्यान दो है ना, येलो साहब वी का वैल्यू आपको मिल चुका,
अब क्योंकि इस रूप में आपको लेना था, अभी मजबूरी थी। अब देखो मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, ये ध्यान दो m, ये रूट टू वी नॉट इन टू रूट ऑफ, देखो साहब ये वन प्लस ई स्क्वायर कैपिटल ई नॉट का स्क्वायर इन टू टी स्क्वायर अपॉन टू एम इन टू वी नॉट का स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, h अपॉन m इन टू रूट टू वी नॉट, ध्यान दो लेमडा नोट अपन यहाँ से फाइंड करी थी और ये था लेमडा नोट कितनी, एच अपॉन एम इंटू रूट टू वी नॉट, ये लेमडा है। तो लेमडा अपॉन दिस, यानी आपका आंसर लेमडा अपॉन जो ये वैल्यू है, ये आंसर आ गया। और ऐसा ऑप्शन एक ही है, आप चेक कर लो अच्छे से इसका आंसर कौन सा है। देख लो लेमडा नोट अपॉन वन प्लस ई स्क्वायर ई नोट स्क्वायर, ये लो इसका आंसर टू एम, एम का भी स्क्वायर था ना बेटा जी, एम का स्क्वायर, एम का स्क्वायर कहीं देखो, एम का स्क्वायर तो टू एम स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर, बिल्कुल इसका राइट आंसर है थर्ड। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 पर, पढ़िए क्वेश्चन 22 को। इसमें है ए पार्टिकल मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ई हैज डी बगली वेवलेंथ लेमडा, इफ एनर्जी डेल्टा ई इज एडेड टू इट्स एनर्जी द वेवलेंथ बिकम्स लेमडा बाय टू, वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज, डेल्टा ई कितना है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप जानते हो लेमडा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन रूट टू एम ई, ई यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी है, एच और एम यहां पे कांस्टेंट, आप ओनली एनर्जी को इसमें चेंज कर रहे हैं। तो एनर्जी के साथ इसका रिलेशन क्या है, तो आप जानते हो लेमडा इज लेमडा प्रोपोर्शनल टू कर दो बेटा जी वन अपॉन रूट ई। इससे अपन आगे सॉल्व करेंगे तो लेमडा बाद की दे रखी है तो डेल्टा ये आपसे पूछा है, तो ध्यान दो इसको लेमडा डेस अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे कर दो बेटा जी रिवर्स में है ना, तो ई अपॉन ई डेस, ई बाय ई डेस, रूट ई बाई ई डेस। अच्छा ई तो पहले से ई है पर ई डेस कितनी है, ई प्लस डेल्टा ई। ये कह रहा है कि जब इसकी एनर्जी में डेल्टा ई से अपन ऐड कर दें यानी इंक्रीज कर दें तो लेमडा डेस जो है ना, ये लेमडा डेस वो कितनी हो जा रही है, लेमडा बाई टू यानी वन अपॉन टू आ गया, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमारे को यहां वैल्यू मिल चुकी है वन बाई टू इज इक्वल टू रूट ऑफ ई अपॉन ई प्लस डेल्टा ई, इसका अपन कर दें स्क्वायर, तो स्क्वायर करते हैं हमारे पास वैल्यू आई वन अपॉन फोर इज इक्वल टू बेटा जी ये है ई अपॉन ई प्लस डेल्टा ई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर अपन निकाल सकते हैं फोर ई, फोर ई इज इक्वल टू हो चुका है वन टू दिस ई प्लस डेल्टा ई, इस ई को उधर ले जाओ तो फोर ई माइनस ई कितना हुआ 3e, तो डेल्टा e का मान कितना हो जाएगा आपका 3e, ये इसका राइट आंसर हो गया। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 23, आइए साहब ये है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल m एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज e इनिशियली एट रेस्ट गेट्स एक्सेलरेटेड बाय ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड e, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एट टाइम t इग्नोरिंग रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स, यानी आइंस्टीन की जो सापेक्षवादी थ्योरी है उसको आपको यहाँ से नेगलेक्ट मानते हुए बेसिकली अपने को इसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो टाइम के साथ किस तरह से बदल रही है वो आपको फाइंड करनी है। बिल्कुल भाई देखो पहले तो क्वेश्चन पहले समझना कि कोई इलेक्ट्रॉन है ठीक है साहब, इसका मास कितना स्मॉल एम है और ये इनिशियली बेटे जी है रेस्ट और इस पे आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरफ अप्लाई कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अप्लाई करने पर इससे फोर्स लगा नेगेटिव है इस तरफ लगा और ये फिर यहाँ से मोशन स्टार्ट कर देगा और किसी समय टी पर, ये टी जीरो पे था या टी पर, मान लो इसकी स्पीड कितनी वी होगी और वी है कितना यू प्लस ए टी, बेटा जी यू यहाँ पर कितना जीरो है, अच्छा अब ए टी कितना हो चुका ई इंटू ई बाई स्मॉल एम इंटू टी, इसका एक्सेलरेशन फोर्स बाई मास,
तो फोर्स कितना ए, ये आपका ई इंटू ई अपॉन स्मॉल एम इंटू टी हो जाएगा। तो हमारे को यहां पर इसका वी मिल चुका। अब इसका अपन निकालना, देखो यदि मैं आपसे पूछूं कि टी जीरो पर इसकी लैम्डा कितनी थी, तो आप इसको देखें कि लैम्डा जो होता है वो है कितना, एच अपॉन एम इंटू वी है। इनिशियली इसका वी था जीरो, तो पहले इसकी लैम्डा कितनी, इन्फिनिटी है। पर किसी इंस्टेंट टी पे निकाल दे, टी में लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी से सोल्व करें, तो एच अपॉन एम तो बेटा जी है, वी हमारे पास कितना हो चुका, देखो वी हमारे पास हो चुका है ई इंटू ई अपॉन स्मॉल एम इंटू टी, ये एम से एम कैंसिल, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई एच अपॉन ई इंटू टी। ये इसकी किसी इंस्टेंट टी पर डी बगली वेवलेंथ है। पर आपसे पूछा रेट ऑफ चेंज इन डी बगली वेवलेंथ, यानी आपसे पूछा है डी लेमडा बाई डी टी, यानी इसका टी के रेस्पेक्ट में आप करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो ऐसे में एच अपॉन ई बाई सी तो कॉन्स्टेंट है, इसको तो बाहर ले लो, वन अपॉन टी का आप करना है डिफरेंशिएशन। तो टी यहां पर वेरिएबल है, नीचे है, तो माइनस वन अपॉन कितना टी का स्क्वायर, इसका आंसर आ गया माइनस का एच अपॉन ई ई इंटू टी स्क्वायर। ये इसकी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, माइनस का एच ई बाई ई टी स्क्वायर। आराम से इसका आंसर आप कर सकते हो, ये इसका राइट आंसर बेटे जी थर्ड हो जाएगा। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, आ जाइए। सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल इज फर्स्ट इल्यूमिनेटेड विद ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड देन बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 2 ऑफ दिस। इट इज फाउंड दैट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द टू केसेस डिफर बाय ए फैक्टर ऑफ 2। तो आपसे पूछा है द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इन इलेक्ट्रॉन इज क्लोज टू। तो क्वेश्चन को ढंग से समझें अच्छे से, पहले धातु एक ही है, मेटल एक, ये क्वेश्चन अब यहां से स्टार्ट हो जाते हैं आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। अभी तक अपन ने क्वेश्चन किए किसके, एटॉमिक स्ट्रक्चर के और डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले के, यानी मैटर वेव्स के। अब क्वेश्चन आपके अलग से स्टार्ट हो रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। तो यहां पे एक ही मेटल है और आप जानते हो मेटल के कॉन्स्टेंट होने पर उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और वर्क फंक्शन कॉन्स्टेंट रहता है, ओनली आप इंस्टेंट फोटोन की एनर्जी को बदल रहे हैं। तो आ जाए भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन 24 का। अच्छा 24 वाले क्वेश्चन में अगर आप इसको डायरेक्टली देखें तो पहले तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना वहां पे जब भी कोई दे रखा हो कि इसकी स्पीड इतनी है, काइनेटिक एनर्जी इसकी इस रेशियो में है या स्टॉपिंग पोटेंशियल इस रेशियो में है, तो जिसका दे रखा हो रेशियो उसको हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में एक साइड में ला करके फिर उसको डिवाइड करना अपने को होता है मोस्टली। तो जैसे कि आप जानते हो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो उसमें फोटोन आता है, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया कुछ वहां पे, रिमेनिंग उसमें किसमें, काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, वही तो अपन करते हैं। तो वहां पे आपको पता है कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी बेटा जी होती है के मैक्सिमम, वो है कितनी, हाफ एम इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस का फाइव नॉट। बस इसी को तो आपको यूज करना है। अब स्पीड का दे रखा रेशियो, जिसका दे रखा रेशियो उसी से अपन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहले प्रोसेस में हाफ एम इंटू वी वन स्क्वायर और दूसरे में कर दूं हाफ एम इंटू बटा जी कौन सा वी टू स्क्वायर बराबर। तो फर्स्ट वाले में देखो 12400 माइनस अपॉन, इसमें पहले फोटोन अपन डाल रहे हैं 350 का, 350 और किस में है, नैनोमीटर में है, तो बदल दो इसको एंगस्ट्रॉम में, ये माइनस का फाइव नॉट अपॉन। दूसरे वाले केस में 12400 अपॉन, वहां फोटोन अपन डाल रहे हैं 540 नैनोमीटर में, बदला इसको एंगस्ट्रॉम में, येलो माइनस का फाइव नॉट, कोई इशू नहीं है। अब आपको जानकारी है कि जो पहला केस है उसमें स्पीड यानी वी वन का दे रखा है वैल्यू अपने को कितना, 2v2। पहले केस की स्पीड है वो दूसरे वाले से डबल है। अब हाफ देखो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, m से m भी कैंसिल हो गया, यहां आप 2v2 का स्क्वायर करेंगे तो 4v2 स्क्वायर, v2 से कैंसिल हो गए, तो यहां वैल्यू अपने को 4/1 मिल चुका। अब इसको सोल्व करेंगे, ध्यान दे आप इसमें इसको अपन डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आपको मिलने वाला है 3.5 माइनस कितना बेटा जी फाइव नॉट, और इसमें इसको अपन इसे डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आपको मिलना है 2.3 माइनस का कौन सा फाइव नॉट।
अब कुछ नहीं है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों फाइंड आउट हमें यहाँ पर 1.9 इलेक्ट्रॉन अच्छे से इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और वैसे इसका आंसर दे रखा है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्स है, टिक कर देंगे आप। आगे पढ़े अपन क्वेश्चन नंबर 25। अब ये सारे क्वेश्चन उसी के आने वाले हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहां पे बड़े अच्छे से काम लेने पड़ेंगे अपने को। क्वेश्चन यहां है, ए मेटल प्लेट ऑफ एरिया दिस इज इल्यूमिनेटेड बाय ए रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी 16 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज दिस, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज दिस, एंड ओनली 10% ऑफ इट्स प्रोड्यूसेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एंड देयर मैक्सिमम एनर्जी रेस्पेक्टिवली विल बी। तो क्वेश्चन को ढंग से एक बार पढ़ लें आप, मैं इसका पूरे का आपको जो सारांश है वो बता दे रहा हूं। 25 का आ जाओ, पेज खाली कर लें। तो 25 वाले क्वेश्चन में देखो कि मान लो ये कोई एक सरफेस है, ये कोई मेटल है, और ये मेटल की मान लो टॉप सरफेस है, ये इसकी टॉप सरफेस। इस टॉप सरफेस का जो बेटा जी एरिया है वो आपको दे रखा है 10^-4 मीटर स्क्वायर, समझे? अच्छा जी, और जो ये मेटल है इसका वर्क फंक्शन फाई नॉट वो हमको दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पर हम कुछ लाइट है वो डाल रहे हैं, जो लाइट अपन यहां पे यूज कर रहे हैं बेटे जी उसकी जो एनर्जी है वो है आपको दे रखा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक तो बात यहां से हो चुकी पहले से क्लियर कि जब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के फोटोन अपन डालेंगे और इसका वर्क फंक्शन मेटल का कितना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है के मैक्सिमम वो तो आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार 10 में से आप 5 घटा दो तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो तो आपका काम हो चुका। पर पूछा कि पर सेकेंड यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो अलग इसकी इक्वेशन हो जाएगी, उसको देखना पड़ेगा। अच्छा अब देखो इसमें क्या लिखा है कि जो लाइट यहां पे अपन डाल रहे हैं उस लाइट की इंटेंसिटी आई वो आपको दे रखी है 16 मिली वाट पर मीटर स्क्वायर। ध्यान समझेंगे, मिली वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो ये बदल दो इसको एसआई में, 16×10^-3 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी इंटेंसिटी है। इसकी ये है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की है, वो इसमें अपन डाल रहे हैं। अच्छा अब देखो इसमें आगे कुछ आपको हिंट दे रखा है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 10% है इसकी एफिशिएंसी, जो ईटा है वो है 10%। 10 आप फोटोन डालेंगे तो 10 यानी उसका 10% 100 में से 10 ही यहां पे ऐसे फोटोन है जो मेटल के इलेक्ट्रॉन से आपस में इंटरेक्शन करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करा पाएंगे। 100 से 10 निकल रहे, 1000 से 100 निकल जाएंगे, इसकी एफिशिएंसी कहलाएगी। तो आपको यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलते हैं पर सेकंड आपको फाइंड करना है, आपको दे रखी है सॉरी एफिशिएंसी दे रखी है और कितने इलेक्ट्रॉन यानी Ne ये आपको यहां से फाइंड करने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये तो है NPH, फोटोन पर सेकंड कितने गिर रहे हैं और इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो N जो इलेक्ट्रॉन है वो है कितना 10% 10/100 यानी 1/10 कर दूंगा N फोटोन। अभी N फोटोन आपको निकालनी है तो इसके लिए देखो इंटेंसिटी होती क्या है, वो होती है टोटल एनर्जी अपॉन पर यूनिट एरिया पर सेकंड, तो इसको मैं लिखूं टोटल एनर्जी यानी E टोटल अपॉन A इंटू टी। E टोटल मान लो अपने पास यहां पे E एनर्जी के N फोटोन हो तो ये हो गया, इसको मैं टी इंटू एक बार A लिख रहा हूं, तो ये N अपॉन टी बेटा जी क्या हो चुका है, ये है N रेट ऑफ इमिशन ऑफ या रेट ऑफ इंसिडेंट ऑफ फोटॉन्स, ये हो गया E बाई A, पर ये N क्या बेटा जी फोटोन है। अब जो फोटोन है उसकी दे रखी है अपने को एनर्जी दे रखी है, तो E अपने को ऑलरेडी पता है, इससे अपन N फोटोन फाइंड करेंगे तो I इंटू A देखो I इंटू A अपॉन कितना E आ गया, इस वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दें, देखो 1/10 इंटू NPH ये हमारे पास आया I A अपॉन E। अब इन सारी वैल्यू को आपको प्रॉपर SI सिस्टम में रखनी पड़ेगी तब जाके इसका अपन आंसर निकाल पाएंगे। तो I का वैल्यू अपने पास कोई समस्या नहीं, A का भी है, पर E का क्या रखोगे, E बेटा जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अपन फोटोन डाल रहे हैं
तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको बदलना पड़ेगा जूल में, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 से मल्टीप्लाई करके इन वैल्यू को पुट करके सॉल्व करोगे तब जाकर के इसकी प्रॉपर आंसर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और वो बेटा जी कितनी आएगी, 10 की पावर 11 आ जाएगी। तो 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इससे इमिट हो रहे हैं, जिनकी केमएक्स कितनी है, वह 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है बेटे, आप इसको अच्छे से देख लेना, रिवाइज कर लेना, इसको चेक कर लेना। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। ये क्या कह रहा है कि इन ए फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन ए मेटल इज चेंज्ड फ्रॉम दिस टू दिस, द डिक्रीजेस इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज क्लोज टू। क्वेश्चन को पहले समझ लें, देख लें। मान लो ये कोई मेटल सरफेस है और इस पे हम पहले लैम्डा 1 का फोटोन डाल रहे हैं और इससे कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, K1 है, और ये मेटल का वर्क फंक्शन कितना, मान लो 5 नोट है। फिर आपने क्या किया, उसी मेटल पे लैम्डा 2 का फोटोन डाला तो जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी एनर्जी कितनी हो गई बेटे जी, K2 हो गई। या इसको मैं ऐसे कर दूं, पहले E1 का फोटोन था फिर E2 का, E1 के लिए K1, E2 के लिए कौन सा, K2। तो आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार K2 बराबर तो कितना हो जाएगा, E2 माइनस का 5 नोट, और K1 का वैल्यू कितना होगा, देखो E1 माइनस का 5 नोट, इसके ऊपर माइनस करें माइनस तो ये इसे कैंसिल, तो हमारे पास K2 माइनस K1 यानी डेल्टा के मैक्सिमम इक्वल टू E2 माइनस का E1 यानी ये लो E2 माइनस का E1। ये तो बा, अब डेल्टा के मैक्सिमम को मैं ऐसे लिखता हूं, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में यदि आपको अच्छे से पता हो तो E into V होता है, तो मैं इसको डेल्टा V नोट कर दूं अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना डिक्रीज हो जाएगा, वो आपसे पूछा है, वो है कितना, E2 माइनस E1, बदल लो इसको अच्छे से, तो मैं इसको तो डायरेक्टली ही कर दूं, 12400 अपॉन लेंथ इसकी वेवलेंथ, 12400 अपॉन इसकी वेवलेंथ। क्वेश्चन ढंग समझो वापिस, कि लैम्डा 1 आपको इसमें दिया था मेरे प्यारे बच्चों 300 नैनोमीटर, तो 3000 हो गया ना, ये लो 3000, और फिर उसको कितना कर दिया गया 4000, तो अब इससे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ई से ई कट जाएगा तो वोल्टेज इसका आंसर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू भी अगर मैं पूरी लिख दूं तो ये आएगा 4.13, और इसको सॉल्व करने पर ये करीब करीब आएगा 3.10, और इसको सॉल्व करोगे आप तो मेरे प्यारे बच्चों ये है 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दें आप, E into delta V naught, E से E को उड़ा दो अब, तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल में डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना घट रहा, कम हो रहा है, ये 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था एनर्जी के फॉर्म में, ये उड़ाते आपका वोल्टेज में आंसर आ गया, समझे ना। हाँ, मैंने थोड़ी सी गलती करी है, देखो कि पहले इसकी वेवलेंथ दे रखी थी कितनी अपने को, क्वेश्चन में ढंग से पढ़े 300, पहले ये 3 वाला था, इसमें 3 करेंगे इसको करेंगे तो ये माइनस में आएगा, देखो बेटा ना ये तो उल्टा हो जाएगा ना, माइनस में, माइनस में कम ही हो जाएगी, आप समझ जाएंगे मेरी बात, आप समझ गए। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका 27, सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, मैं कम समय इसको अधिक को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो थोड़ी स्पीड अधिक हो सकती है, परंतु आप इसको बैक करके और दोबारा इसको पढ़ सकते हैं। आ जाएं क्वेश्चन 27, व्हेन ए सर्टेन फोटोसेंसिटिव सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन इज -V0/2 व्हेन द सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ डबल आ गया फ्रीक्वेंसी μ/2 द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दिस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज। आपसे पूछा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी म्यू नॉट आपसे पूछ ली, ओके। क्वेश्चन नंबर 27, तो 27 में बात बड़ी महत्वपूर्ण सी है। पहले केस में आप देखो इसमें ये कह रहा अपने को कि यदि हम उसमें म्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालते हैं, देखो ये मान लो मेटल है कोई, इस पे वही केस पहले वाले हैं, अगर म्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है V0/2, तो ऐसे केस में उसकी के मैक्स कितनी आएगी फर्स्ट वाले की, वो बेटा जी E V0/2 हो गया ना, वोल्टेज को ओनली अपने को E से मल्टीप्लाई करना होता है,
दूसरे केस में उसी मेटल पे, मेटल वही है बेटा, तो वर्क फंक्शन तो वही रहना है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। दूसरे केस में जब फ्रीक्वेंसी आपने कितनी कर दी है, म्यू बाय टू, फ्रीक्वेंसी को म्यू बाय टू करने से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका स्टॉपिंग वोल्टेज रखा है माइनस का वी नॉट, उसको फिर अपन वी से गुणा करेंगे तो दूसरे केस का के मैक्सिमम भी आपको मिल जाएगा, वो हो गया ओनली वी ई वी नॉट। बस अब आपको ओनली इक्वेशन को यूज करना है। तो देखो यदि पहले से मैं इक्वेशन को लिखता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ रही है एच न्यू इज इक्वल टू, मैं कर दूं फाइ नॉट प्लस ई वी नॉट बटा दो। दूसरे वाले केस में एच न्यू बाई टू, क्योंकि वहां फ्रीक्वेंसी आधी है और वर्क फंक्शन तो मेटल का होता है, वो चेंज नहीं होता है, वो हो चुका आपका बेटा जी कितना ई वी नॉट। आपको पूछी है फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो आपको बस इसमें फाइ नॉट का म्यू के साथ रिलेशन, आप जानते हो फाइ नॉट वैसे होता क्या है, इसकी वैल्यू बेटा जी है एच इंटू म्यू नॉट, समझे। तो देखें अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन है, पहले इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। अब इसमें से मुझे वी नॉट को गायब करना है, तो अगर मैं इसको देखो इस पहली इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई करके माइनस करता हूं, दो से मल्टीप्लाई करते ई वी नॉट, ये आपका ई वी नॉट माइनस करता हूं तो देखो माइनस से ये कैंसिल हो चुका, अभी हो चुका टू फाइव नॉट, मैं से फाइव नॉट पर माइनस किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई देखो फाइव नॉट, और इस तरफ कितना ये हो गया टू एच न्यू माइनस कितना एच न्यू बाई टू, ये बेटे जी हो चुका है थ्री एच न्यू नॉट बटा दो। अब इसकी वैल्यू वैसे है कितनी एच न्यू नॉट, एस एच को उड़ा दो तो हमारे पास अब इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी आई थ्री बाई टू न्यू, ओके तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगर आप चेक करना चाहो आंसर को तो आ जाइए थ्री बाई टू म्यू, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें है क्वेश्चन, इन ए फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पासेस थ्रू मर्करी वेपर एंड इमर्जेस विद एन एनर्जी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन देखो, ये मान लो अपने पास एक मर्करी यानी एचजी की वेपर है, इसमें एचजी के एटम्स हैं बहुत सारे, आपने क्या करा इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स पास किए और उन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेटा जी है 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉनिक मैटर पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी का पार्शियली एब्जॉर्प्शन भी किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं, तो इस केस में अगर इतने का अपन डाल रहे हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलते हैं उनकी एनर्जी कितनी है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब इसमें से इतनी एब्जॉर्ब करी जा चुकी है। तो अब इसमें हुआ क्या, जो एच जी था ना बेटा जी, मान लो उसका ये एन इक्वल टू वन है और अब इलेक्ट्रॉन इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और इलेक्ट्रॉन कहीं पर nth ऑर्बिट में एक्साइटेड हो चुका, पर उसके लिए एनर्जी कितनी मिली उसको वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कितनी मिली देखो घटा दो इसको 5.7 में से घटा दो इसको, तो जो एनर्जी इसको अपन दे रहे हैं वो है 5.6 माइनस कितना 0.7, तो ये हो गई 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इतनी इसने एब्जॉर्ब करी है। क्वेश्चन फिर समझ लें, ये एच जी की वेपर थी, इसमें अपन को इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे वो इससे पास होकर बाहर निकलेंगे तो 5.6 में से कितना 0.7 ये वापस इसके निकल रही है, तो रिमेनिंग यानी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एच जी के ऊपर उसमें एब्जॉर्ब कर रही है, समझे। अच्छा क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो कह रहा है कि इसमें जो एटम है द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड बाय मर्करी एटम। अच्छा अब जब ये इस एच जी का इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा चुका है और वापिस जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर से नीचे आएगा तो क्या करेगा, फोटोन निकालेगा, उसकी आपसे पूछ ली क्या वेवलेंथ आपसे पूछी है, तो वेवलेंथ में तो कोई समस्या ही नहीं है, जो हमारे पास एनर्जी है तो यानी इनका एनर्जी गैप मालूम है तो जो लैम्डा यहां से बाहर निकलेगा वो तो कितना है 12400 अपॉन ये लो बेटा जी 4.9, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू है वो प्यारे बच्चों आएगी करीब करीब 2500 एंगस्ट्रॉम या 250 नैनोमीटर। क्वेश्चन का जो स्वरूप है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल पोर्शन का एक पार्ट है, ये क्वेश्चन बेसिकली एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, सीधा क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत बढ़ जाता है। आए क्वेश्चन नंबर 29 पर, ठीक क्या बोल रहा है अपन से,
कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट वेव इज गिवन बाय दिस, दिस लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल प्लेट ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ दिस, इसका वर्क फंक्शन है फाइव नॉट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना वो आपको फाइंड करना है, ये इसका दर का फॉर्मूला, अच्छा 2π/λ, ये लैम्डा आपको मिल गई है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 5×10⁻⁷, इसको बदलेंगे ना तो ये अप्रोक्सीमेट कितना 5000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ इसमें है। आ जाओ क्वेश्चन आपका हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन ऐसा है कि ये कोई मेटल है कोई, और इस पे कोई अपन फोटोन डाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन का आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है। अच्छा जी, तो के मैक्स इक्वल टू वैसे होता है ई वी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस का फाइव नॉट, तो ई कितना है पहले वो अपने को फाइंड करना है, तो ई वैसे तो कितना है 12400/5000, क्योंकि आप उस इक्वेशन से उसका लैम्डा फाइंड कर लेते हैं, माइनस वर्क फंक्शन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस काम हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको उड़ाऊं यहां से तो ये पॉइंट आपका लग गया, देखो 12.10 × 5 × 10 = 2.48, माइनस कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ये हो गया 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई वी नॉट आया बेटे, ई से ई को उड़ा दूं तो हमारे पास इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ओके, आंसर इसका भी आपका मिल चुका है। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 30 में, आ जाइए साहब 30 में, 30 वाला आपसे क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा वापस क्वेश्चन इंटेंसिटी का आ गया। ऐसे क्वेश्चंस में एक तो ध्यान रखना है कि एफिशिएंसी कितनी है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो इंटेंसिटी है वो किस सिस्टम ऑफ यूनिट में, एसआई में है या सीजीएस में या कॉम्प्लेक्स है मिक्स में कर रखी है, वो आपको एसआई में ढंग से प्रॉपर काम में लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाते हैं अपन, तो 30 में देखो, 30 वैसे बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है, और इसको अगर अपन थ्योरेटिकली वैसे पूरा पढ़ते हैं तो बहुत समय लगता है, तो मैं इसको सही से आपको बता दूं। देखो मान लो कोई ये सरफेस है, या पेज खाली कर लूं, देखो मैं क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ लें, मैं इसमें थोड़ा सा पहले बता दूं काम पूरा। क्वेश्चन है कि 50 W/m² एनर्जी डेंसिटी ऑफ सनलाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए सोलर पैनल। मान लो कोई ये सोलर पैनल है और उसकी मैं सरफेस मान लूं, ये उसकी सरफेस है, ये टॉप सरफेस है, जो लाइट इस पर गिर रही है वो कैसी गिर रही है, नॉर्मली गिर रही है, और उसकी दे रखी है अपने को इंटेंसिटी आई, वो बेटा जी है 50 W/m², यानी सीजीएस में नहीं है, एसआई में है, कुछ बदलाव नहीं करना है। सम पार्ट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी इन 25% इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, 25% रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ इसमें बाकी रिमेनिंग 75% एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब इसका जो कोफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन कितना 25/1.4, रिमेनिंग यानी 75% इसका हो गया ए, तो ए है इसका कोफिशियंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो बेटा जी ए हमारे पास कितना हुआ 75, मतलब 3/4 कर देता हूं। अब यदि इसको आपने अच्छे से क्लासरूम में पहले डिस्कस किया था तो इसका जो एक बहुत प्यारा फॉर्मूला बनता है कि ऐसे केसेस में आर भी दे रखा हो, ए भी दे रखा हो, तो जो इसका फोर्स जो लगता है बेटा, फोर्स जो होता है वो है प्रेशर इनटू एरिया, और प्रेशर कितना होता है इसमें ए प्लस 2R × I/C। बहुत ढंग से आप बात को समझना कि अगर पार्शियल यहां पे हो एब्जॉर्प्शन और पार्शियल यहां पे रिफ्लेक्शन हो, इस फॉर्मूले को आप याद कर लें अच्छे से, कहां से आया क्यों आया, अगर मान लो इसमें किसी थीटा पे आ रहा हो तो आई कोस थीटा लगा देना, बस कुछ भी नहीं, सारे प्रकार के प्रश्नों को कवर करता है, और इससे सरल और कोई तरीका पॉसिबल भी नहीं है। तो एफ हमारे पास पी इंटू ए, ये आपका आंसर हो गया I/A, ठीक है भाई। अच्छा इसको मैं ए से, ये प्रेशर का वैल्यू है, इसको मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं, आपसे फोर्स पूछा गया तो फोर्स में हमको इश्यू रहा ही नहीं, अब ओनली इसकी वैल्यू पुट करनी है। ध्यान दो आप, ए हमारे पास कितना, देखो ए हमारे पास है बेटा जी 3/4, ये लो 3/4 प्लस 2 × आर कितना था 1/4, ये लो साहब 1/4 इंटू I/A/C। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है, कुछ करना ही तो नहीं है, आपको इसमें सब कुछ दे रखा है, ए भी आपको इसमें दे रखा है, ये दे रखा था कि बेटे जी ए बिल्कुल आपको देना चाहिए, ए है 1 m², इस सरफेस का एरिया ए आपको दे रखा है 1 m², तो बिल्कुल अब कोई बात रही नहीं। देखो इनको अपन यहाँ पे ऐड करते हैं, तो 3/4 प्लस कितना 1/2,
थ्री बाई फोर प्लस वन बाई टू, इसको अपन सोल्व कर रहे हैं तो इसमें इसका ऐड हो गया फाइव बाई फोर इंटू आई ए और सी। आई मेरे प्यारे बच्चों है 50, इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 3 इंटू 10 टू पावर 8, समझे। अब इसको ओनली आपको सोल्व करना है और इस पूरे की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट आ रही है 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 न्यूटन। तो ये आप मैथमेटिक्स आप कर लेंगे, मैं चाहूँ तो इसको बिल्कुल यहाँ दोस्तों पर समय ज़्यादा खराब होता है, इस समय बचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका अच्छे से आपको आंसर मिल गया। ये फॉर्मूला बहुत ही प्यारा है बच्चों, इसको ढंग से याद करना। प्रेशर का फॉर्मूला अगर पूछे तो इतना है, और पूछे फोर्स आपको निकालना तो प्रेशर को आपको इसमें ए से मल्टीप्लाई कर देना है। थीटा एंगल पे डाल रहा हो तो इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना। थीटा यहाँ पर नॉर्मल के साथ बना एंगल हुआ करता है, ठीक है बेटे। बड़े आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 31 वापिस वैसे क्वेश्चन इसका फिर आपको आ गया। ये कह रहा है कि ए 2 मिलीवाट लेजर ऑपरेट्स एट ए वेवलेंथ ऑफ दिस, तो टी 2 जो मिलीवाट है वो क्या है, उसकी पावर है बेटा जी। और पावर वैसे है क्या, टोटल एनर्जी ई टोटल अपॉन कितना समय। टोटल यहाँ पे है फोटॉन्स के टर्म में एन इंटू ई बाई टी, यानी अगर एक फोटोन की एनर्जी ई है, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स टोटल एनर्जी हमारे पास ही आ गई, तो एन अपॉन टी को मैं कर दूँ स्मॉल एन इंटू ई। और इससे अगर आपको एन निकालना हो तो पी अपॉन ई आप कर दो, ये बेहतरीन तरीका है, इससे आपको कर लेने चाहिए। तो पी यहाँ पे पूरे सोर्स की पावर है, ई यहाँ पे है एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब क्वेश्चन में देखो उस फोटोन की हमारे पास लेमडा है, तो बदल लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पी ई कितना होता है एच सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा ऊपर ले जाओ। अब पी और लेमडा एच और सी के एस आई सिस्टम वैल्यू पुट कर दो, और सिस्टम वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्टली इसके आंसर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। तो 30 में इसका जो आंसर है वो अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे जी, क्वेश्चन 31 कर रहे हैं। 31 में इसका आंसर है वो ये अप्रोक्सीमेट इस वैल्यू 5 इंटू कितना 10 की पावर ये 15 आ जाएगी। तो अब ये बस वैल्यू पुट करनी वो आपका काम है ना, समय थोड़ा बचाने के लिए कर रहा हूँ। ओके बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन 32 में। 32 में वापस उसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। ये कह रहा है कि लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस, तो कितना प्यारा क्वेश्चन आ रहा है। ए कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग, तो ए कितना बन हो चुका है, अब इसमें पार्शियल नहीं है। और ये वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसकी है इंटेंसिटी। इफ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ दिस, ये इसका एरिया दे रखा है अपने को, द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस इज इन 40 मिनट टाइम ड्यूरेशन विल बी। ओके अभी अपन ने पढ़ा था फोर्स जो कि वैसे होता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और इसकी वैल्यू है कितनी a प्लस 2r, नॉर्मली है तो i इंटू ए बाई सी, ये हमारे पास वैल्यू थी ना। अब देखो r यहाँ पे 0 है बेटा, इसलिए इसको तो उठाओ आप, a क्योंकि यहाँ पर है 1, तो ये आपका आंसर हो चुका है कितना i इंटू ए बाई सी। येलो पर आपको निकालना है ट्रांसफर्ड मोमेंटम, तो डेल्टा p की वैल्यू क्या कर दोगे, ये मेरे हिसाब से नहीं आपके सबके हिसाब से हो गया, तो ये कर दो I into A by C into delta T। अब आप कुछ नहीं करें इसमें, I दे रखा है 25 मिली वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, फिर ध्यान दे लो। अब सारा मेरे हिसाब से जो कॉन्सेप्चुअली काम तो मैं बता चुका हूँ आपको, अब रहा इसमें इश्यू कौन सा, देखो ये 25 वाट पर सेंटीमीटर है स्क्वायर है, तो इसको मैं 10 की पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर लिखूंगा तो ऊपर चला गया है, तो आप इसके स्थान पे क्या लिखोगे, 25 10 की पावर प्लस का 4 रख दोगे। अच्छा ए के स्थान पे क्या लिखने वाले हो, आ जाइए ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, इसको आप काउंट कर लोगे या भी आप लिख दोगे। अच्छा टाइम कितना है 40 मिनट है, तो 40 इंटू 60 सेकंड में, इसको भी आप प्रॉपर लिख दो, तो तब जाकर के, और सी जानते हो 310 की पावर 8, ऐसे करते आपका आंसर मिल जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे इसमें 33 में। ओके 33 में आइए, तो ऐसे अब जो यहां मैं एक आपको एक फॉर्मूला सिखा रहा हूं, गौर करना बहुत काम का, आपके सारे प्रकार के बच्चों के काम का है, और कोई सिखाता नहीं है फॉर्मूला। अक्सर जैसे अपन फोटोन की एनर्जी को बदलते हैं फ्रीक्वेंसी में, या बदलते हैं फ्रीक्वेंसी को किसमें, एनर्जी में, तो अगर मुझे किसी फोटोन की एनर्जी निकालनी है, दे रखी मेरे को फ्रीक्वेंसी, आपको म्यू दे रखा हो, यह गिवन होगा, और फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या 10 की पावर मान लो 14 15 ऐसे लिखा आएगा, डेफिनेटली है, तो ये पावर कैसे ज़्यादा है, तो इसको हमेशा आप मल्टीप्लाई करना 10 की पावर माइनस का 15 से। अब ये वैल्यू कैसी कम है, तो इसको गुणा हम लोग करते हैं 4.2 से अधिक से, और ऐसे करने से आपको सीधे एनर्जी है ना
इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगी। बात इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है, बहुत फास्ट है, इससे क्वेश्चन आपका बहुत फास्ट होता है। आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी किसमें, ध्यान सुन लो, जैसे दे रखी है किसमें, हर्ट्ज में, और सीधे अगर आपको बदलना हो किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप क्या करना है, जो दे रखा है फ्रीक्वेंसी दे रखा ना, उसको पहले 10^-15 से गुणा करना और 4.2 से उसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। एक बात और बता दूं, यदि आपको अब इसमें निकालना हो फ्रीक्वेंसी और इधर रखियो किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, म्यू निकालनी है अपने को हर्ट्ज में, आपको दे रखिए ई, ई गिवन है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है वो क्या आपके 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10, 5 ऐसे बहुत छोटी वैल्यू, ये कम है, तो ये वैल्यू अधिक थी तो कम से गुणा किया है, फिर कम थी तो फिर अधिक से गुणा किया है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कौन सी है, ये बहुत कम वैल्यू है, इसको अधिक से 10^+15 से गुणा कर रहा हूं, फिर इसका 1/2 है, ये आपका 0.24। ये डाटा आपने को आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, और सीधे इसका आपको आंसर मिल जाता है, बहुत जबरदस्त वैल्यू है। ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू बड़ी तो छोटी माइनस में है, फिर ये बड़ी वैल्यू, यहाँ ये वैल्यू कैसे छोटी है तो ये बड़ी, यानी ये माइनस 15 है, प्लस का 15 है, फिर यहाँ ये कितना 4.2 0.24। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया, अब ये बताने का अभी समय वक्त है वो नहीं है। अब मैं क्वेश्चन में आता हूँ, देखो क्वेश्चन था ये दे रखा अपने को ग्राफ किसमें, स्टॉपिंग पोटेंशियल में और फ्रीक्वेंसी में। तो आप देखो यहाँ जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की जो फ्रीक्वेंसी वो तो इसकी म्यू नॉट है, तो म्यू नोट कितनी है, 4×10^4, यानी इसकी जो म्यू नोट मेरे प्यारे बच्चों है वो 4×10^14 हर्ट्ज है। तो क्वेश्चन कह रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में दिखा रखा है, तो इसका वर्क फंक्शन आपको निकालना है, बहुत इजी काम हो गया, वर्क फंक्शन कितना 5 नॉट। अब आपको दे रखी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बदलना है किसमें, एनर्जी में। तो मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी को बदलना है एनर्जी में किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधे। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है कितनी है, तो 4×10^14, ये मान है बड़ा तो छोटे से गुणा करना 10^-15 से। अब ये मान है छोटा तो बड़े से गुणा करना है 4.2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका बेहतरीन आंसर आ जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट आंसर। तो देखें इसका आंसर आप कितना आया, देखो सॉल्व किया अगर आपने, तो यहां 0.1 बचेगा ना, तो 0.4 को आप, यानी एक तरह से ऐसे कर दो भाई, 0.4 को 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4×16 ये 1.6 के आसपास आ जाएगा आंसर, और 1.6 कहाँ है, ये सेकंड आंसर। तो आप इस पर काम करना, वैसे इसमें समय बहुत अधिक लगता है, पर क्या करें, समय हमारे पास कम ही है, तो कम का उपयोग करते जाना है। आ जाओ अगला क्वेश्चन है 34, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और अपने बुक्स में क्वेश्चन दे रखा है, सारे प्रकार की गाइड्स में, एनसीईआरटी में, सब में क्वेश्चन ये आपको मिलेगा, और ऐसा ही मिलेगा, उसमें कोई अंतर भी आपको नहीं मिलने वाला। तो क्वेश्चन 34 में आ जाइए साहब, 34 में क्वेश्चन की मैं पूरी थीम बता दूंगा आपको, देखो तो क्वेश्चन इसमें है, दो मेटल है ए और बी, ए बी मेटल, जो ए मेटल है उस पे क्वेश्चन कह रहा है कि इस पे हमने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन किया इंसिडेंट, और ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी है TA इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दूसरे मेटल बी, इस पर हम लोग जो फोटोन डाल रहे हैं वो है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऐसे में यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी है TB इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्वेश्चन में लिखा है कि इसका वैल्यू कितना है, TA माइनस कितना, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, TA माइनस 1.5। ये फोटोन डाला, ये इसकी काइनेटिक है, ये फोटोन डाला, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा जी, अब दोनों मेटल डिफरेंट है, तो इसका वर्क फंक्शन मान लो कितना फाइ ए, और इसका मान लेता हूँ कितना फाइ बी। अब क्वेश्चन फिर थोड़ा सा अपने को उलझाने की कोशिश कर रहा है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ मैं लैम्डा ए मान लेता हूं, और इस वाले की डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा बी, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लैम्डा बी का जो वैल्यू है वो लैम्डा ए से डबल है। बस यहां से क्वेश्चन को आपको उठाना, बाकी उसमें कुछ नहीं है। जब लैम्डा इस तरह से, आप जानते हो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, H/√2mK होता है। दो सेकंड वाले की लैम्डा पहले की डबल है, और ऐसे में आप जानते हो कि काइनेटिक को बढ़ाने से लैम्डा घटता है, तो घटाने से लैम्डा बढ़ता है,
और ये एच यहां इस रूप में, तो लैम्डा का स्क्वायर समानुपातिक कितना वन अपॉन के वाना, क्या मैं इसको लिखूं के समानुपातिक कितना वन अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। तो इसकी लैम्डा ज्यादा है तो इसकी के कैसी कम है, कम भी कितनी है, कम भी कितनी है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे कर दूं कि टी ए बराबर फोर टी बी, यदि इसी से फाइंड करता हूं तो चूंकि आपको इससे अब तुरंत अनुमान दिमाग से पता लग जाना चाहिए कि जब इसकी लैम्डा इससे डबल है तो ऐसे में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी कितनी वन फोर्थ होगी, इसी काइनेटिक यानी टी बी कितना टी ए अपॉन फोर्थ होगी ना। तो अपन इसको ऐसे बना ले। अब देखो क्वेश्चन में आपको साफ साफ दे रखा है कि टी बी हमारे पास टी ए माइनस का 1.4 है। आ जाओ भाई, तो ये है टी ए इक्वल टू 4 इंटू टी बी का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, टी ए माइनस का 1.5 कर दो इसको मल्टीप्लाई, कितना 4 टी ए माइनस का 6। इसको अपन इस तरफ ले जाएं तो कितना 4 टी ए माइनस ये 3 टी ए 6, तो टी ए कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, टी ए हो चुका है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टी बी कितना 2 माइनस 1.5 तो 0.5। आ जाओ टी ए हमारे पास कितना है बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और टी बी हमारे पास कितना 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछा है कि सेकंड मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब सेकंड के लिए आप लगा दो आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसमें इस एनर्जी में से इसका वर्क फंक्शन घटाएंगे तो इसकी टी बी आ जाएगी। तो 4.5 में से वर्क फंक्शन घटाता हूं तो हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0.5 आ गई। अब बताओ भाई 5 इधर लाऊं तो 0.5 इधर ले आता हूं, तो 4.5 में से 0.5 घटाता हूं तो देखो आसानी से इसका आंसर है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और ये इसका प्रॉपर आंसर है, चेक कर लो इसका आंसर आप कितना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोर्थ इसका आंसर है। बड़े आगे क्वेश्चन में 35, हाँ जी 35 ये कह रहा है कि रेडिएशन विद वेवलेंथ 6561 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू इंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस इफ द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इज दिस द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज क्लोज टू। तो क्वेश्चन की पूरी थीम मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लेना इसको। तो ध्यान दें ये एक मेटल सरफेस है, ये कोई मेटल सरफेस है इस पे हम फोटोन कर रहे हैं इंसिडेंट और यहां से निकलते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। और आपने यहां क्या किया बेटे जी, यहां जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो आपने अप्लाई कर दिया मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें इंटर करेंगे, इंटर करते ही क्या होगा, ये अब जैसे इसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये सर्कुलर पाथ पे मोशन करना शुरू कर देंगे। अब मोशन शुरू करेंगे तो इसकी कोई रेडियस भी होगी, आप जानते हो आर इक्वल टू कितना होता है यहां पर एम वी अपॉन क्यू बी, जानते हो इससे अपन इसका पी निकाल सकते हैं, इसकी करंट एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एम वी का मान कितना क्यू बी आर हो चुका है, तो इसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी जो के मैक्सिमम जो होती है कितनी बेटा जी पी स्क्वायर अपॉन कितना 2m, तो ये हो गया आपका क्यू बी आर इसका स्क्वायर अपॉन 2m। आपको इस प्रश्न में आर दे रखा है, ध्यान सुन लो करना क्या है, आपको आर दे रखा है क्यू बी सब दे रखे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब दे रखे हैं, इन सब से आप क्या करेंगे के मैक्स निकालेंगे। अच्छा अगर इन सब के आप एस आई सिस्टम वैल्यू पुट करते हो तो अभी ये जूल में आएगा, यदि मैं इसमें ई से भाग दे दूंगा 1.6 से तो हमें किस में मिल चुका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको ये वैल्यू मिल गई। अच्छा अब क्या करना, पहले काम है कि इसकी रेडियस के बेस पे आपने ऐसा काम कर लिया, अब देखो इसमें क्या करना है बाकी रिमेनिंग काम, इसमें ये रहा कि अपन निकाल ली। अच्छा जो इसमें फोटोन अपन डाल रहे हैं उसकी लैम्डा आपको दे रखी है, पूछा है इसका वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन कितना होगा वो इसकी एनर्जी ई माइनस कौन सा ये के मैक्सिमम, ये आप यहां से निकाल लो और ई का वैल्यू कितना है 12400 अपॉन जो लैम्डा आपको दे रखा है 6561 माइनस दिस। तो ये आपको ऐसे काम करना पड़ेगा और वैल्यू जो अपने को यहां मिलेगी ये सब पुट करने के पश्चात इसका जो आंसर मेरे प्यारे बच्चों है वो करीब करीब 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ये आप खुद स्वयं कर लेंगे। बढ़े आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं 36।
36 वैसे लैंग्वेज के हिसाब से एक लेंथी प्रश्न है, इसको आप पहले एक बार पढ़ लें, रीड कर लें अच्छे से, फिर अपन इसको समझते हैं। तो शायद आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा या बाद में पढ़ लेना, मैं इसकी पूरी थीम आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये कोई एक मेटल सरफेस है, ओके, और ये इस सरफेस का टॉप जिसका एरिया ए, ये आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10^-4 मीटर स्क्वायर। जो ये मेटेलिक सरफेस है इसका वर्क फंक्शन फाई नॉट वो आपको दे रखा है बेटे जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पे हम लाइट कर रहे हैं इंसिडेंट, जो लाइट इस पे इंसिडेंट की जा रही है उसका वेवलेंथ है 3100 एंगस्ट्रॉम, और इसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट आपतन जो प्रकाश है उसकी जो तीव्रता है आई, उसका मान आपको दे रखा है 6.4 × 10^-5 W/cm². इसको पहले आप यहां कन्वर्ट कर लें पहले ही, क्योंकि बाद में अपन गलती करेंगे इसमें। तो आप उधर रखा है वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको अपन लिखे वाट अपॉन 10^-4 cm मीटर स्क्वायर, ये ऊपर गया तो प्लस हो गया, तो प्लस से पावर एक होगी कम, तो कुल मिलाकर के आपको वैल्यू मिल गई है 64 प्लस का 4 है ना, तो 0.64 आप इसको लिख सकते हो, 0.64 इंटेंसिटी हमारे पास है 0.64 W/m². यहां तक वो समस्या नहीं आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपसे कह रहा है कि जो एक लैंग्वेज जिसमें भ्रंग ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन में लैंग्वेज आप पढ़ लेंगे, उसमें देखो क्वेश्चन लिख रहा है साफ साफ, इफ 10^3 फोटॉन्स 10^3 फोटॉन्स इजेक्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन, यानी जो फोटोन इस पर गिर रहे हैं, अगर यहां पे 10^10 में कर दूं कितना 3, 1000, 10^3 इतने फोटोन आप डालते हो तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब यहां पे एफिशिएंसी ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0.1%, 1000 से 1 निकल रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी ऑफ इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 0.1%, ये यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मान लो यहां जो फोटोन गिर रहे हैं उनकी रेट को मान रहा हूं यहां पे एन फोटोन, जो इससे निकल रहे हैं उसको मान लो कौन सा एन फोटो इलेक्ट्रॉन्स एन ई, जो है क्या 0.1% ऑफ एन फोटोन। बात क्लियर? तो वहीं से अपने क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। तो देखो क्या है कि एन ई जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलने वाले हैं 0.1% यानी 0.1/100 या कर दो 10^-3, और ये वार साहब एन पी एच। अब ये फोटोन्स पर सेकेंड कितने इंसिडेंट हो रहे हैं वो आपको इसमें फाइंड करने पड़ेंगे, वो आपको यहां पर लिखने पड़ेंगे, उससे क्वेश्चन आपका अच्छा बन जाएगा। तो आप जानते हो इंटेंसिटी वैसे होती क्या है, ये होती है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया टोटल इंसिडेंट ऑफ फोटोन एनर्जी, यहां इसके रिगार्डिंग ई टी, यहां पर टोटल फोटोन्स की एनर्जी उसको मान ले कितनी एन ई अपॉन कितना ए टी, या ए टी या टी जो भी आपका ई, यहां पर क्या बैठे जी ये है एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब वन फोटोन की हमें क्या दे रखी है, एनर्जी दे रखी है या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी उस रूप में है, तो दे रखा है अपने को इसकी वेवलेंथ, इसको अपन क्या लिखें एच सी बाई लेमडा। तो देखो आई इज इक्वल टू हो गया एन एच सी अपॉन ए टी, पहले से पढ़ा है लेमडा भी यहां कर दूं। अब देखो ये एन अपॉन टी, ये जो है ना ये है पर सेकेंड नंबर ऑफ फोटोन्स जो कि सरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, इसी को अपन यहां पे क्या ले रहे हैं बेटे जी NPH, NPH ये होगा एच सी अपॉन कितना a इंटू लेमडा, ये है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इससे अपन ये निकालते हैं तो कितना आई ए लेमडा अपॉन एच सी आ गया, आई ए लेमडा अपॉन एच सी, इतना अपने को आना ही चाहिए। अब इसको सॉल्व कर दो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। देखो 10^-3 इंटू आई वो था, देखो यहां पर ये
कर दूं इसको 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 1 कर दूं, जो भी आपकी इच्छा है। ए हमारे पास था बेटे जी 10 की पावर माइनस का 4 इंटू लेमडा हमारे पास देखो ये है 3.1, कर दूं इसको 3.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट है, बदल लेंगे इसको आप, अपॉन 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू सी अगेन 3 इंटू 10 टू पावर 8। क्लियर, अब इसका आंसर निकाल लेते हैं अपन। तो देखो अप्रोक्सीमेट इसमें 10 की पावर के रूप में आप ऑप्शन दे रखा है, तो वैसे भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन था, तो 3.1 को अप्रोक्स में इससे उड़ा दूं, 6.63 को भी इससे अप्रोक्स उड़ा दूं, तो रिमेनिंग आप जो देखें वैल्यू उनको सॉल्व कर लें। तो ध्यान दो, यदि 8 को अपन यहां से ऊपर लाएं, 8 और 7 कितना हुआ 15, 15 और 4 कितना 15 और 5 सर माइनस के हैं तो ये हो चुके आपके बोलो 20, और 20 और ये 3 यहां से और आ गया 23, तो टोटल पावर वहां माइनस का कितना हुआ 23 और नीचे कितना 34, तो नीचे शेष रहा माइनस का 11, तो ऊपर चला प्लस का 11, तो मेरे प्यारे बच्चों 10 की पावर प्लस 11 और क्वेश्चन लिखा 10 की पावर x, तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास आ जाएगी 11। ये इसका बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और आंसर आपका देखो यहां से पीछे अपन चेक कर लें कि है 10 की पावर x, तो x यहां पे कितनी होगी 11। ठीक है बेटे, चले आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है कि ए सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मेटल ए दैट हैज एन एक्टिविटी ऑफ 10 मिलीक्यूरी हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियस एज अनदर सैंपल। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये कोई ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, दूसरा बी है, ये कह रहा है कि ए के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो बी से डबल है, तो इसके मैं मान लो यहां पे कितना 2n, तो ये बेटा कितना हो गया n। दूसरा इसकी जो एक्टिविटी है, जो पहला है उसकी एक्टिविटी है 10 मिली क्यूरी, इसकी एक्टिविटी है 10 मिली क्यूरी, और इसकी बेटे जी अगले की जो एक्टिविटी है वो हमें दे रखी है कितनी 20 मिली क्यूरी। आपसे पूछा है कि ए और बी की जो हाफ लाइफ है उनका रेशियो कितना है, या उनका अपन तो यहां रेशियो निकाल पाएंगे, फिर जो ऑप्शन है उसके बेस पर काम को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए ए और बी का आपने को दे रखा है और पूछा अपने को है यहां पे हाफ लाइफ का, अच्छा ये तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे एक्टिव न्यूक्लियाई, ये एक्टिव न्यूक्लियाई थे साहब, और ये थे इसकी एक्टिविटी, तो अपने पास दो चीजें हैं। अब आप ये जानते हो कि जो एक्टिविटी होती है, इसको अपन एक्टिविटी में इसको ए ही कह रहा हूं मान लो, तो एक्टिविटी वैसे होती क्या है लेमडा इंटू एन, लेमडा कितना 0.693 अपॉन लेमडा इंटू एन, तो n अपॉन लेमडा किसके प्रोपोर्शनल है एक्टिविटी के प्रोपोर्शनल, तो इससे आपने देखा तो जो लेमडा सॉरी लेमडा की वैल्यू अपन पुट करे थे 0.693 अपॉन कितना टी हाफ, ये हुआ टी हाफ, तो इससे अपन टी हाफ की वैल्यू निकालेंगे, तो टी हाफ यहां से आपको देखा तो ये मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से कितना n अपॉन a, ये इसके प्रोपोर्शनल है, देख लो आप रेशियो निकाल ले अपन इससे, तो T1 by T2 यानी फर्स्ट और सेकंड का हाफ लाइफ का रेशियो वो कितना है N1 by N2 into A2 by A1, तो N1 by N2, N1 हमारे पास क्या था 2N, N2 कितना बेटा जी N, A2 कितनी है देखो बताओ 20 मिली क्यूरी, और A1 कितना है साहब ये 10, उड़ाओ इससे कितना, ये भी इससे कितना 2 कितना 4, तो 4:1 आ गया, 4:1 ये इनकी हाफ लाइफ का रेशियो है। तो यहां ये बात समझना कि अगर हाफ लाइफ 1 ईयर है किसकी बी की, तो ए की कितनी 4 ईयर हो जाएगी, मान लीजिए हाफ लाइफ इसकी 2 ईयर है तो इसकी कितनी होनी चाहिए 8 ईयर होनी चाहिए, इसका 3 तो कितना होना चाहिए बोलो 12, 4 तो कितना 16, 5 तो कितना 20, ये तो होनी चाहिए। आइए ऑप्शन में आप चेक कर लो तो कितना होना चाहिए T1 by T2,
T1 बाई T2 हमारे पास आया था, T2 बाई T1 हमने फाइंड किया था, तो वो हमारे पास आया था, ठीक है, सॉरी अपन ये तो क्या था ना कि T1 बाई T2 इज इक्वल टू 4:1, तो 20 डेज एंड 5 डेज, 1, 4, 2, 8, 3, 12, 4 कितना 16, 5, 20, तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर कौन सा है, ये है 4। देखो रेशियो वैसे थर्ड में और फोर्थ में क्वेश्चन गलती कहां होती है, यहां पर रेशियो कितना 1/4 है, वहां पर कितना है आपका 1/4 रेशियो ही है, पर आपको पूछा है कि ए और बी का किस रेशियो के साथ है, तो ए और बी का रेशियो कैसा, 4:1 था, इसलिए आंसर आपका कितना 4 वाला सही हो जाएगा। ठीक है बेटे, बढ़े आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38 वाला क्वेश्चन भी एक नीट के बच्चों के लिए बेहतरीन प्रश्न है, एक नया फॉर्मेट का प्रश्न है, वैसे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं परंतु इस रूप में क्वेश्चन एक नया आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ लो पहले एक बार, एट ए गिवन इंस्टेंट से टी इक्वल टू 0 टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस ए एंड बी हैव इक्वल एक्टिविटीज, टी 0 पे इनकी एक्टिविटी कैसी है, वो इक्वल है, द रेशियो आरबी अपॉन आर ए एट इंस्टेंट टी, वो आपको दे रखा है e^-3t, आरबी अपॉन आर ए आपको दे रखा है। ओके तो पेज खाली कर लें आ जाइए, तो इसमें दो रेडियोएक्टिव सैंपल हैं ए और बी, टी इज इक्वल टू 0 पर इसकी एक्टिविटी कितनी, ए नोट है, इसकी भी ए नोट, ये आपने क्वेश्चन में ढंग से पढ़ा होगा, दोनों की एक्टिविटी कहते हैं आपस में बराबर है। अब एट एनी स्टैंड टी, टी स्टैंड पर, टी पे जो इनकी एक्टिविटी है उनका रेशियो, इसकी मान ले अपन कितनी एक्टिविटी आर ए, इसको मान ले कौन सा आर बी, और आपको दे रखा है कि आर बी अपॉन आर ए इनका रेशियो है e^-3t, बात क्लियर। अच्छा इसमें एक चीज आपको और क्वेश्चन में पढ़ लेनी चाहिए पहले, इफ द हाफ लाइफ ऑफ ए इज लॉग ई बेस 2, जो ए है उसकी हाफ लाइफ लॉग ई बेस 2 है, हाफ लाइफ ए वाले की, इस वाले की हाफ लाइफ, यानी टी जो इसका मैं इसको टी ए कर दूं, टी हाफ लाइफ वो है लॉग ई बेस 2, तो इसका अपन लैम्डा निकाल लें, लैम्डा वैसे होता है क्या है, लैम्डा होता है लॉग e बेस 2 अपॉन कितना t हाफ, t हाफ कितना है log e बेस 2 दे दिया क्वेश्चन में, इसे कैंसिल, हमारे पास कितना 1 आ गया, तो इसमें फर्स्ट वाला जो है ना a, इसका हमें d के कांस्टेंट मिल चुका है, वो कितना आपका 1 हो चुका, b का मालूम नहीं है, वो आपसे पूछा है, तो लैम्डा b की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, तो क्वेश्चन इस रूप में बहुत ही शानदार है, देख लें आप। तो अच्छा उसे पर निकाल लेंगे हाफ लाइफ और b, b की अपने को हाफ लाइफ है पूछी गई है, कोई इश्यू नहीं है, आ जाओ यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। अच्छा अब सुनो, हमें क्या दे रखा था इसमें कि आर बी अपॉन आर ए दे रखा है, तो इससे अपन निकाल लें, ए नोट पहले दे रखी है ये है, तो जैसे आर बी अपॉन आर ए मैं डायरेक्ट लिखूं अगर, तो आ जाओ आर बी अपॉन आर ए क्वेश्चन के अनुसार दे रखा है e^-3t, और वैसे आर बी की वैल्यू क्या लिखूंगा, आर नॉट ई की पावर लेमडा, ये कौन सा सेकंड वाले का है, तो लेमडा बी इंटू टी अपॉन आर नॉट इंटू ई और लेमडा 1, और वैसे लेमडा 1 है कितना 1 ही है, ध्यान दे लो आप, लेमडा 1 कितना अपन ने फाइंड कर रखा है, लेमडा 1 कितना हो चुका है 1 इंटू टी कर दू, बोलो अब ये इनिशियल एक्टिविटी है तो बराबर है, उठा दू इसको, इससे कैंसिल, इसको ऊपर ले जाऊं, देखो तो इसको ऊपर ले जाते ही हमारे पास वैल्यू कितनी e^-, इसको माइनस अपन ले लें तो लैम्डा बी ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस सॉरी ऊपर जाने प्लस पर माइनस कॉमन लेंगे ना, तो माइनस के कॉमन लेने के पश्चात ये जो वैल्यू आपको मिली उसको देखें यहां पे, तो लैम्डा बी और ये माइनस का 1 इंटू टी, बस क्वेश्चन आपका हो गया, अब ओनली मैथमेटिक्स बाकी है। आप देखें अब इसमें और इसमें, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है और यहां दिख रहा है, दोनों का बेस e इक्वल है इसलिए इनकी पावर सेम होगी, तो यहां पे माइनस का 3t वो इसके बराबर, माइनस से माइनस क्या बेटा जी कैंसिल, तो अपन क्या लिख दें यहां पर 3t इज इक्वल टू ये हुआ आपका लैम्डा b माइनस 1, और टी से टी भी उड़ा दो, देखो टी से टी जो टी था यहां पर उस टी को भी यहां से अपन कैंसिल कर देते हैं, तो अब रहा वैल्यू 3 इज इक्वल टू लैम्डा बी माइनस 1, और इससे सॉल्व करने पे लैम्डा बी का वैल्यू
माइनस वन इसमें ऐड हो चुका है, तो फोर इसका लैम्डा भी आ चुका। आपको इसे पूछा क्या था, टी हाफ, टी हाफ जो होता है 0.693 अपॉन लैम्डा, और वो वैसे है कितना लॉग ई बेस टू होता है अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा लॉग ln 2 अपॉन 4 या लॉग ई बेस 2 अपॉन 4, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं फर्स्ट, ये भी बहुत बेहतरीन, मैंने पहले भी कहा क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ओके अगला क्वेश्चन, ये बेसिक आपका जो क्वेश्चन आता है उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, वैसे तरीके इसके बहुत सारे हैं पर समय अपने पास लिमिटेड है इसलिए मैं एक तरीका बताता हूं जो बेसिक आप करते हो। ये कह रहा है कि यूजिंग ए न्यूक्लियर काउंटर द काउंट रेट ऑफ इमिटेड पार्टिकल फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सोर्स इज मेजर्ड एट टी इक्वल टू जीरो इज इट वाज 1600 सीपीएस एंड काउंट पर सेकेंड। तो टी इज इक्वल टू जीरो पर, टी इज इक्वल टू जीरो पर इसकी जो काउंट रेट मतलब इसकी एक्टिविटी ए नॉट वो है 1600 काउंट पर सेकेंड, यानी इतने इससे अल्फा अथवा बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो इसकी एक्टिविटी कहलाती है। अगर इसके हाफ लाइफ के बाद अपन बात करें तो आप जानते हो इसकी एक्टिविटी पहले से हाफ हो गई काउंट पर सेकेंड, फिर अगले हाफ यानी ये हो गया आपका आर से कितना आधा कर दो ये 400 सीपीएस हो गया, अगले हाफ के पश्चात ये कितना हो गया 200 सीपीएस रह गया, और अगले फिर हाफ में कितना हो गया ये 100 सीपीएस। बात क्लियर? तो अगला ये कह रहा है कि 8 सेकंड पश्चात इसकी एक्टिविटी कितनी है 100 काउंट पर सेकंड। 100 कब हो रहा है इसमें देखो आप, 100 कब हो रहा है, ये इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये इसकी सेकंड हाफ लाइफ है, ये इसकी थर्ड और ये कौन सी फोर्थ हाफ लाइफ। तो फोर्थ हाफ के बाद आप जानते हो टोटल टाइम कितना होता है एन इंटू कितना टी हाफ, तो ये हमारे पास 4 हो चुकी है, ये हमारे पास है 8 इंटू एट इक्वल टू 4 इंटू टी हाफ, तो आप इसको ऐसे निकाल ले तो टी हाफ हमारे पास कितना बेटेजी हो गया 8 अपॉन 4, ये हो गया 2 आवर्स। तो इस सैंपल का टी हाफ कितना है 2 आवर्स है। अब इसका 2 अगर आवर्स है तो आपसे पूछा है अच्छा आवर्स नहीं के सेकंड में है, ओके तो सेकंड में है साहब ये है 2 सेकंड, यदि इसकी हाफ लाइफ 2 सेकंड है तो आपसे पूछा कि 6 सेकंड बाद, तो आपको पता है कि 6 सेकंड में कितने हाफ लाइफ 3 हाफ लाइफ हो गई, तो 3 हाफ के बाद में है कितना 200, इसका आंसर ही क्या जाएगा 200। ओके बढ़े आगे क्वेश्चन 40 पर आ जाते हैं, आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन है कंसीडर द न्यूक्लियर फीजन नियॉन 20 दैट कन्वर्ट्स इनटू टू मॉलिक्यूल्स या न्यूक्लियॉन्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम और साथ में एक कार्बन भी इससे इमिट हो रहा है, गिवन ये सब प्रॉपर्टी आपको दे रखी हैं और पूछा आपने से क्या है, पूछा मेरे प्यारे बच्चों है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट है वो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन वैसे बेसिकली है क्या कि नियॉन 20 है का एक न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो रहा है और ब्रेक होकर के इससे ये बन रहे हैं, तो यहां एक बहुत सीधी सी बात ये है सबसे पहले इस न्यूक्लियस को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, ध्यान दें जैसे बात को, इस न्यूक्लियस को ब्रेक करना पड़ेगा तो जो एनर्जी अपन इसको देने वाले हैं सिस्टम को वो एब्जॉर्ब होगी। अब जो न्यूक्लियॉन्स जैसे ही इसको अपन ब्रेक करेंगे न्यूक्लियॉन्स फ्री हो गए, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स सब फ्री हो चुके हैं, अब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स सब फ्री हो चुके हैं वो क्या करेंगे बेटे जी, वो अब न्यूक्लियर फोर्स जो कि अपन जानते हैं दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, उस फोर्स की प्रेजेंस में ये नए न्यूक्लियॉन्स फॉर्म होंगे, जब न्यूक्लियॉन्स फॉर्म होंगे तो एनर्जी बाहर निकलेगी। अब टोटल बात ध्यान देना, इसको ब्रेक करने की टोटल एनर्जी मान लो E1 है और जैसे बनेंगे बनने के बाद जो रिलीज एनर्जी होगी उसका टोटल मान लो कितना E2, अगर ये E2 का वैल्यू ध्यान समझना, यदि इसमें E2 जो टोटल है उसका वैल्यू अगर इस E1 से ज्यादा है तो ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन, ये सेल्फ स्पॉन्टेनियस होने की क्षमता रखती है, परंतु अगर इसकी E1 बड़ी हो जाएगी E2 से तो प्रोसेस सेल्फ स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती। अब अपन गणना कर लेते हैं क्या आता है, तो बात ध्यान देना, मैंने कहा था कि इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी और इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी, इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है और ये फॉर्म हो रहे हैं इसलिए ये रिलीज हो रही है, इस रिएक्शन के होने के लिए E2 एंड टोटल इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो रिलीज होने वाली है वो इससे अधिक होनी चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, तो हमारे पास था क्या, तो इसको यहीं सॉल्व कर लें, अभी कोई बड़ा इसमें इश्यू नहीं है, तो आपसे पूछा कि इसकी क्या एनर्जी रिलीज होगी देनी पड़ेगी वो सब देखना है, तो जो इसकी मैं निकाल लूं Q वैल्यू,
तो क्यू वैल्यू में सबसे पहले इसमें ई टू निकाल लू मैं, ई टू वैसे है कितना, इसमें टोटल कितने न्यूक्लियंस हैं, 4 × 2 = 8 न्यूक्लियंस, जिसमें हीलियम के एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी वेटेजी कितनी है 7.07 है ना, तो इंटू 7.07 प्लस फिर है 12 × 7.86, ये टोटल एनर्जी यहां से रिलीज होने वाली है, माइनस प्यारे बच्चों ये है 20 × 8.03, ये सब किसमें, मेगाइलेक्ट्रॉन्स में। अब जब इसको सोल्व करोगे पूरा, सोल्व करने पे 100% इसका जो आपको वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 9.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके आसपास मिलेगा, और अच्छे से इसको आप टिक कर सकते हो, बिल्कुल प्लस में आएगा। तो अब मैथमेटिक्स आप अच्छे बच्चे हो, बहुत होशियार बच्चे हो, कर लेते हो, ठीक है बेटे, बड़े आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि इन रेडियो एक्टिव डीके चैन द इनिशियल न्यूक्लियस इज, वो आपको दे रखा है 90 थोरियम 232, और इससे 6 अल्फा, यहां जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो है बेटे जी 6 अल्फा और 4 बीटा। बीटा पार्टिकल की नेचर आपको दे रखे नहीं है, मोस्टली आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा ढंग से, पार्टिकल्स हैं वो कौन से आपके बीटा माइनस ही इमिट होते हैं, चांस इसी के रहते हैं ना। इन सब के इमिट होने के पश्चात जो फाइनली इससे बनेगा उसका अपने को ए और जेड फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो 90 थोरियम पहले से पता था, 230 तो अपने को पहले पता ही था। अब जैसे इसमें पार्टिकल्स इमिट होंगे तो इमिट होने के पश्चात जो एलिमेंट बनने वाला है वो एक नया एलिमेंट बन गया, उसको वाई कह रहा हूं, उसका ए और जेड कितने हैं वो आपको फाइंड करना है। अब देखो साहब, आप जानते हो कि एक अल्फा जिसका सिंबल होता है 2HE4, तो एक अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर कितना 2 से डिक्रीज होता है, और मास नंबर 4 से होता है डिक्रीज, 6 है, 6 × 4 कितना 24, तो इसमें तो चेंज कितना 20 आपका 4 माइनस हो गया, और फिर इसमें ये आपका हो जाएगा 6 × 2 = 12, 12 इससे कम हो गया, 1 से 2 कम होता है, 6 से कितना 12, इसका जड़ भी कम हो जाएगा। अच्छा फिर आती है बात किसकी, बीटा की, तो बीटा में ध्यान रखा करो कि बीटा दो तरह के होते हैं, बीटा प्लस और कौन सा बीटा माइनस। बीटा प्लस अगर इमिट होता है तो जेड है वो 1 से होता है डिक्रीज, और बीटा माइनस अगर निकलता, माइनस से प्लस हमेशा कर लिया करो, इससे जेड इसका 1 होता है इंक्रीज, जबकि इसके इमिट होने से आपको पता होना चाहिए कि बीटा के निकलने से हमेशा बनते हैं आइसोबार, और अल्फा के निकलने से हमेशा बनते हैं आइसोडायफियर्स, समझे। तो आइसोबार अगर है तो उसमें आप ध्यान रखें, या आपको पता है इस बात का कि ऐसे में कभी भी इसका मास नंबर है वो कन्वर्ट नहीं होता, तो ध्यान दो इसमें, बीटा के निकलने से सिर्फ और सिर्फ माइनस से प्लस 4, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, प्लस माइनस कितना 0। अब इसको आप सॉल्व कर लें, तो 232 में से आप 24 को माइनस कर दो, तो इससे वैल्यू आपकी रह गई कितनी, अब ये होगी 208, और 90 में से भी आप ऐड कर दो माइनस, तो इससे वैल्यू आपकी आ जाएगी 82। तो 208 और 82 ये इसका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर है, तो आप अच्छे से टिक कर सकते हो क्वेश्चन 41 का आंसर सेकंड। चलो अब अपन आगे हैं क्वेश्चन 42 पे। 42 का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली एक कोलिजन का प्रश्न है, यहां न्यूक्लियस नाम लिखा है इसलिए यहां पर ये आ गया। चलो क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m सफर्स 1-dimensional इलास्टिक कोलिजन विद ए न्यूक्लियस एट रेस्ट। तो जैसे मान लो न्यूक्लियस एट रेस्ट, इट इज स्कैटर्ड डायरेक्टली बैकवर्ड लूजिंग 64% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज। चलो जी, जैसे मान लो ये एल्फ पार्टिकल है,
और इसका मास है स्मॉल m, इसकी स्पीड को मान रहा हूं मैं v नॉट, ठीक है भाई, और इसके सामने एक न्यूक्लियस पड़ा है, भारी है वो, उसका मास मैं मान लेता हूं m नॉट, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये इनिशियल कैसा रेस्ट में है, ये रेस्ट में पड़ा है, ये इससे कर रहा है कोलिजन, और कोलिजन के बाद जो अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा जो है ये क्या कर रहा है, वापिस रिवर्स आ रहा है, बैक आ रहा है, यानी इसकी जो वी वन है वो नेगेटिव है, अगर ये प्लस का है, ये इस तरफ है तो वो माइनस में है, कितना है वो अपन जानते नहीं है, हमें तो यहां तक सीमित रहना, और लास्ट में पूछा क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस, पर उसके लिए आपको हिंट दे रखा है कि इस कोलिजन में 64% एनर्जी ये अपनी दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, 64%, अगर 64% इसने ट्रांसफर करी तो खुद के पास रही कितनी, 36%, तो देखो इसकी रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 36% रिमेनिंग, मान लो इसकी स्पीड है, इसका मास तो वही एम ही है, तो अगर जो रिमेनिंग काइनेटिक को अगर मैं इसको लिखूं वी और वी वन और एम के स्टेप्स में, तो देखो ये हुआ आपका 1/2 एम वी वन स्क्वायर, ये इसकी रिमेनिंग काइनेटिक है, जो है कितनी, ये है इसके पास जो थी उसका 36%, तो कर दो इसको 0.36, बोलो 0.36 किसका, इनिशियल का, यानी 1/2 एम वी नॉट का स्क्वायर, समझे, m बाय टू से m बाय टू कैंसिल, और 0.6, और इससे सॉल्व करने पे v1 की जो वैल्यू है 0.36 का रूट कितना 0.6, और v0 का रूट कितना हो गया v0, तो v1 का वैल्यू आपको मिल चुका है 0.6 v0, ओके, अब v1 है वैसे देखो इसको अगर प्रॉपर वे में आप कहो तो डायरेक्शन का भी यूज करना चाहो तो माइनस भी इंपॉर्टेंट है, अपने डायरेक्शन के ठीक अपोजिट में है, क्वेश्चन कह रहा है इसमें साफ साफ, अच्छा जी, अब पहले तो एक में इसमें ये चेक करो कि इसमें टक्कर कौन से वाली, कोलिजन कौन से वाली है, इलास्टिक कोलिजन, इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम दोनों कैसे कंजर्व हैं, तो जो भी फॉर्मूले हैं बेसिकली आप इलास्टिक वाले लगा सकते हो, टक्कर है भी कौन सी, हेड ऑन कोलिजन, तो वी वन वैसे है कितना, वी वन की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दूँ, जिसमें सेकंड पार्टिकल रेस्ट में है, इसका मतलब इसका U2 कितना, जीरो, U2 वाला स्टेप कैसा जीरो हो जाएगा, तो पहला स्टेप ही है, तो पहला स्टेप में आप जानते हो M1 माइनस का M2 अपॉन, ये हो गया प्यारे बच्चों M1 प्लस M2 इंटू U1, U1 कितना है V0, ये लो साहब इससे अपने को इसको सॉल्व करना है, तो उड़ा दो इसको V0 से V0 कैंसिल, वहां माइनस है, अब इसको अपन करें क्रॉस मल्टीप्लाई, एम वन ये अपने क्या ले रखा है एम नोट, ये तो है एम नोट, इसको अपन ने रखा एम ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एम की वैल्यू अपने को एम नोट की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, तो ध्यान दो इसको मैं क्या लिख चुका हूं, देखो स्मॉल एम, इसको क्या लिख चुका हूं स्मॉल एम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों हुआ माइनस का 0.6 स्मॉल एम और माइनस का ही 0.6 एम नॉट इज इक्वल टू, माइनस था ना, अब ये यहां रह गया एम माइनस एम नॉट, अब इसको सॉल्व कर दो, तो इसमें यदि इसको देखें पहले, इसको मैं यहां से इधर ले आऊं, तो यहां है 1m, ये 0.16 पॉइंट आपका 06 ऐड कर दो उससे, तो ऐड करने पे हो गया 1.6 एम, और इसको अपन इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो गया, पहले से माइनस पड़ा है, तो ये हो गया आपका 0.4 एम नॉट, यहां से आप सॉल्व कर लो, एम नॉट इक्वल टू 1.6 एम अपॉन कितना 0.4, ये हो गया आपका 4, इससे एम नॉट कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ एम आ गया, 4 टाइम्स ऑफ एम, तो इसका आंसर है थर्ड, ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 पे, 43 है कि कैल्शियम और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस जो हैं उनकी डेंसिटी कितनी है, आप जानते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी है वो नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, सबकी फिक्स होती है, इसलिए रेशियो कितना आएगा 1:1, ओके, क्वेश्चन 44, अगेन ये जो क्वेश्चन 44 है या इसके आगे वाले क्वेश्चंस हैं
आपने देखा होगा जी मैन और नीट दोनों में, इससे पहले भी क्वेश्चन अपने किया था वो ई की पावर माइनस 3 लैम्डा वाला, बहुत बेहतरीन प्रश्न था वो, और ये क्वेश्चन अक्सर नीट में आपके पूछे जा रहे हैं, तो इन पे आप कंसंट्रेट ढंग से करें, अच्छे से करें, प्रैक्टिस एक बार नहीं दो बार करें इसमें। अच्छा क्वेश्चन देखो आप इसमें, मतलब बहुत ईजी है कि टू रेडियोएक्टिव मटेरियल्स ए एंड बी हैव डी के कांस्टेंट 10 लैम्डा एंड लैम्डा, ए और बी का, ए का दे रखा है अपने को 10 लैम्डा, बी का दे रखा है लैम्डा। इट इनिशियली इफ इनिशियल दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दोनों के पहले न्यूक्लियस कैसे हैं, एन नोट है, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ए टू दैट ऑफ बी विल बी 1/e आफ्टर ए टाइम। तो आपसे पूछा ये है कि जैसे ये ए सैंपल है दूसरा बी है, इसका डी कांस्टेंट 10 लैम्डा, ये है लैम्डा, दोनों के पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेम है एंड नॉट, तो किसी इंस्टेंट टी पर, ये तो टी जीरो पर है, टी पर जो जीरो से बड़ा है, इस इंस्टेंट पर जो इसके न्यूक्लियाई हैं एन वन, इसके बेटा जी कौन सा एन टू, और आपको बोला है कि एन वन और एन टू इनका रेशियो कितना है 1/e, वो समय आपको फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लें इसको आप। तो एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू, एन वन कितना हुआ देखो, इससे निकालना है, ये हो गया आपका एन नोट ई की पावर माइनस 10 लैम्डा इंटू टी, दूसरा ये भी इसमें इनिशियल कितना एन नोट ही था, एन नोट ई की पावर माइनस का लैम्डा इंटू टी, समझे। वैसे ये एन वन अपॉन एन टू दे रखा है 1/e, तो अगर उस वैल्यू को मैं यहां लिख दूं, देखो यदि उस वैल्यू को अपन यहां लिख दें 1/e, ई को ऊपर ले जाऊं तो ई की पावर माइनस का 1, तो इसको भी सॉल्व कर लो, ये आपका एन नोट से एन नोट कैंसिल होगा, इसको अपन यहां से ऊपर लाएं, ये पहले माइनस से प्लस हो चुका, तो इसको देखो ई की पावर माइनस 10 लैम्डा से 1 लैम्डा काट दूं मैं, तो 9 वैसे बच गया, देखो ये 10 लैम्डा है 1 लैम्डा काट दो इसमें से, तो बचा कितना यहां पे 9, तो माइनस का 9 लैम्डा टी, क्वेश्चन आपका हो चुका। अब देखिए दोनों को अपन कंपेयर करेंगे, तो यहां पे इसका बेस कितना है, इसका बेस है ई, इसका बेस भी कितना है देखो ई, कैंसिल, इसलिए दोनों ऊपर की वैल्यू आपस में बराबर है, फिर बराबर करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 9 लैम्डा टी इक्वल टू 1 आ गया, 9 लैम्डा टी इज इक्वल टू 1, तो इससे टी का वैल्यू बेटा कितना 1/9 लैम्डा, आ जाओ आंसर मैच कर लो 1/9 लैम्डा, दैट इज राइट आंसर। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है और ये अक्सर आ रहे हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन 45 में अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, यहां दे रखा है 1/e का स्क्वायर, तो इसको मैं एक ही लाइन पे सॉल्व कर दूं, देखो अगर 1/e का स्क्वायर है तो इसको ऊपर लाऊं, तो क्या रहा e की पावर माइनस का 2, बोलो बोलो इज इक्वल टू, अच्छा मैं लिखूं इसको n नोट e की पावर, फर्स्ट वाले में कितना माइनस का 5 लैम्डा t, दूसरे वाले का लिखूं तो n नोट e की पावर माइनस का कितना 1 लैम्डा t, ये इससे कैंसिल, फिर यहां माइनस का 5, ये माइनस का एक कम कर दो 4, तो ये बचा अपने पास e की पावर माइनस का 4 लैम्डा इंटू टी, अगेन वही चीज आपके सामने प्रकट हो चुकी है, दोनों के बेस सेम है, उड़ा दो माइनस से माइनस को उड़ा दो, फिर इसमें वैल्यू कितनी है 4 लैम्डा टी इक्वल टू 2, ध्यान दीजिए 4 लैम्डा टी इज इक्वल टू 2, तो इससे सॉल्व करने पर इसको उड़ा दो यहां से 2 हो चुका मेरे बेटे जी, टी इक्वल टू कितना 1/2 लैम्डा, तो फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, देखो क्वेश्चन है हाफ लाइफ्स ऑफ टू रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ए एंड बी आर 10 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, इफ इनिशियली ए सैंपल हैज इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देन आफ्टर 60 मिनट्स द रेशियो ऑफ डीके नंबर ऑफ डीकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ए एंड बी, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, आपसे पूछा क्या है कि 60 मिनट के पश्चात जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर डीके हो चुके उनका नंबर कितना है। अच्छा तो इनिशियली उनका नंबर कैसा है इक्वल, तो क्वेश्चन 10 20 60 ओके, ए और बी इसकी हाफ लाइफ है 10 मिनट, इसकी हाफ लाइफ है 20 मिनट, हाफ लाइफ टी हाफ, अच्छा टोटल समय आपको दे रखा है 60 मिनट, ये भी है कितना 60 मिनट, ऐसे अपने को लिख लेना चाहिए,
हाफ लाइफ कितनी 60/20, इसका एन कितना 6, इसका एन कितना हो चुका 60/20 3, ये इसकी हाफ लाइफ है। और पूछा हमसे क्या है नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियस, तो ये डेल्टा एन ये है नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियस, इसको मैं डिकेड कर दूं तो इसका वैल्यू कितना होता है एन नॉट इंटू 1^-2 2^-1 का 1 कर दूं, चलो या जैसा कि आप पढ़ते हो वैसे लिख दूं, देखो 1/2 n सॉल्व कर दो, तो डेल्टा n1 अपॉन डेल्टा n2 दोनों के इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेम है, इसके भी पहले n नोड थे t0 पे, इसके भी कितने n नोड थे, तो ये लो साहब n नोड अपॉन n नोड तो कैंसिल ही हो गया, इंटू 1 - 1/2 कितना पहले में 6, 2^6 कर दो पहले से ये लो, और दूसरे वाले में है 1 - 1/2 बोल लीजिए 3, इसको सॉल्व कर रहे हैं आप, तो वैसे ये है कितना 1/2 6 4 होता है आपका 16, 32 64, तो 1/64 तो 1 में से इसको माइनस करोगे तो हो गया 63/64, ये वैल्यू तो है इस पूरे की, और यहां 1/8 1 माइनस कितना 7/8, तो ये हो चुका प्यारे बच्चों 7/8, ठीक है। तो अपना आंसर यहां पे देखो कि 63/64 इंटू ये डिवाइड में है, उल्टा कर दो इसको 8/7 उड़ाओ इसको 8 से कैंसिल, ये 9 से कैंसिल, तो आंसर है 9:8 9:8 देखिए सेकेंड आंसर क्वेश्चन 47। ये अपन पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो अपन जी मेन एग्जाम्स क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं 19 और 20 वाले, और जो कि हमने ये 19th लेक्चर या एपिसोड मान लीजिएगा इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ था, तो उसका ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, पढ़े तो क्वेश्चन वापस देख लो। द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल फॉल्स फ्रॉम 700 to 500 इन 30 मिनट्स, इट्स हाफ लाइफ इज क्लोज टू, तो एक्टिविटी आपको दे रखी है पहले से इतनी हो गई, टोटल टाइम दे रखा है, तो इसका तो बेसिक फॉर्मूला होता है ना टी इज इक्वल टू 10/3 टी हाफ लॉग 10 base एक्टिविटी ए नॉट अपॉन ए नॉट बाय ए, टी आपको दे रखा है बोलो कितना 30 मिनट, टी हाफ आपसे पूछा गया है, एक्टिविटी ए कितनी है 500, ये कितना है बोलो बोलो, सॉरी ये था 700 ये कितना 500, इसकी वैल्यू पुट कर दो, टी एक अननोन है, आराम से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, और इसका आंसर है वो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों आप दे सकते हो, तो आंसर इसका बता दो मुझे आप कौन सा आएगा 62 मिनट्स, या आप सॉल्व कर लेना। तो प्यारे बच्चों आपका एक बार फिर सीएलसी परिवार जो जी मैन एग्जाम्स क्वेश्चंस जो हम आपको अप्रोवाइड कर रहे हैं इनकी बेहतरीन आप प्रैक्टिस करें, फायदा उठाएं, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे ना उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला, क्योंकि आपको समय बहुत मिल चुका है और इतने समय में आप इतनी शानदार प्रैक्टिस क्वेश्चन से कर सकते हैं कि नीट में फिजिक्स में जितना अपन शार्पली अच्छे क्वेश्चन कम टाइम में करेंगे ना उतना अपन केमिस्ट्री और बायोलॉजी को वो टाइम दे पाएंगे। ओके थैंक यू, जय सीएलसी।